नमस्ते, आप सभी का स्वागत है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री सीरीज में, जिसमें हम आज गैस क्रोमैटोग्राफी के बारे में डिस्कशन करेंगे। गैस क्रोमैटोग्राफी एक तरह की, आप इसे कह सकते हो, लीडिंग एनालिटिकल मेथड है जिसका इस्तेमाल सारी लेबोरेटरीज में किया जाता है, खास करके ऐसी लेबोरेटरीज जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होती है। गैस क्रोमैटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसको आप कह सकते हो कि वो एक पिनेकल है। इट इज एट द टॉप ऑफ ऑल द एनालिटिकल मेथड्स करंटली यूज्ड थ्रू आउट द इंडस्ट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्टर। आप पेट्रोलियम केमिस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में चले जाइए, फार्मा में चले जाइए, डाइज मैन्युफैक्चरिंग में आप चले जाइए, आप किसी कोई भी सेक्टर उठाकर देख लीजिए, गैस क्रोमैटोग्राफी प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन व्हिच इज यूनिवर्सल इन नेचर विद रिस्पेक्ट टू सेपरेशन ऑफ एनी अननोन मिक्सचर। एक अननोन मिक्सचर का जो सेपरेशन है, उसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको सेपरेट करने का काम गैस क्रोमैटोग्राफी सबसे बढ़िया तरीके से करता है, और इसीलिए ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है और सबसे ज्यादा एक्सटेंसिवली अडॉप्ट भी किया जाता है, खास करके ऐसी सारी प्रोसेसेस में जिसमें जो टेस्ट किया जा रहा है वो क्रिटिकल हो। क्रिटिकल टेस्ट का मतलब ये है कि उस टेस्ट के रिजल्ट पे बेसिकली ये डिटरमाइन किया जाता है कि हमारी प्रोसेस सही चल रही है नहीं चल रही है। अगर नहीं चल रही है तो फिर वो करेक्टिव एक्शंस लेने के लिए फिर वहां से आपको मदद मिलती है। तो गैस क्रोमैटोग्राफी, ये भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसीलिए इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है ताकि हम काफी इन डेप्थ इसका डिस्कशन कर सकें। तो आज हम पहला पार्ट देखेंगे इस पर्टिकुलर टेक्निक का। तो हमारा जो ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन के हिसाब से हम सबसे पहले तो रिकैप कर लेंगे अब तक हमने कौन कौन से माइलस्टोन्स क्लियर किए हैं। तो हमने जो माइलस्टोन्स अब तक क्लियर किए हैं, उनमें सबसे पहले है यूनिट्स। यूनिट्स में हमने केमिस्ट्री में यूज किए जाने वाले सारे यूनिट्स की इन्फॉर्मेशन ली थी, उनका एप्लीकेशन, उनका सिस्टम, उनके प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस को कैसे कन्वर्ट करना है, उसमें फिर हमने मोलर कॉन्सेप्ट्स भी देखे, मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है, साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि किस तरह से यूनिट्स जो हैं उसमें बेस यूनिट्स होते हैं, और बेस यूनिट्स की मदद से हम डिराइव यूनिट्स ऑब्टेन कर सकते हैं, इनका रिलेशनशिप हमने देखा था, राइट। तो यूनिट चैप्टर में ये सब चीजें हमने कवर की। फिर आया सेकेंड चैप्टर जिसमें हमने नॉर्मलाइजेशन की पढ़ाई की। नॉर्मलाइजेशन में हमने नॉर्मलिटी क्या होती है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इनको किस तरह से कैलकुलेट किया जाए, इनके लिए फॉर्मूलाज क्या क्या है, इनके लिए प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस, ये सारी चीजें डिस्कस की। और सिमिलरली स्टैंडर्डाइजेशन में भी हमने यही किया, सिर्फ स्टैंडर्डाइजेशन में फर्क इतना था कि उसमें नॉर्मलिटी और मोलरिटी, जो दो कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, उनके डिटर्मिनेशन के लिए किस तरह से टाइट्रेशन एज अ टूल यूज किया जाता है, किस तरह से प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, इन सब बातों पर हमने फोकस की थी। उसके बाद हमने प्योरिटी का जो कंसेप्ट है उसका इनडेप्थ स्टडी किया, प्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, आपका रॉ मटेरियल हो या फिर फिनिश प्रोडक्ट हो या फिर इंटरमीडिएट ही क्यों ना हो, किस तरह से प्योरिटी के जो कैलकुलेशंस होते हैं वो आपकी मदद कर सकते हैं किसी भी इंडस्ट्रियल सेटअप में। उसके बाद हमने थियोरेटिकल इलस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर देखे थे, जिसमें हमने HCl का, HCl से बना हुआ एक सोल्यूशन है जिसका हमने स्टैंडर्डाइजेशन किया था, और KOH का एक सैंपल हमें दिया गया था जिसकी हमने प्योरिटी चेक की थी। साथ ही साथ इसी के साथ हम थ्योरेटिकल स्टडी से बाहर निकलकर इंस्ट्रूमेंटेशन की साइड आ गए। इंस्ट्रूमेंटेशन में सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट था वो था पीएच मीटर, यानी कि हमने पीएच मेट्री की पढ़ाई की। पीएच मेट्री में हमने देखा कि पीएच एक्चुअली होता क्या है, पीएच की स्केल क्या होती है, पीएच की स्केल की जो फीचर्स हैं, लिमिटेशंस हैं, एडवांटेजेस हैं, वो सभी चीजों को हमने अच्छे से एनालाइज किया। साथ ही साथ पीएच मीटर कैसा होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स, जो पीएच प्रोब होता है उसके कौन कौन से टाइप्स हैं, शेप्स हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, मेजरिंग इलेक्ट्रोड क्या होता है, पोटेशियम KCl, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड क्यों यूज किया जाता है, बफर्स क्या होते हैं, बफर्स का क्या रोल है, इंडिकेटर्स यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हो या फिर नॉन यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, जैसे कि एसिडिक एनवायरनमेंट में कलर चेंज करने वाले या फिर बेसिक एनवायरनमेंट में कलर चेंज करने वाले, ये सारे यूनिट्स की हमने इनडेप्थ पढ़ाई भी की। हमने कार्ल फिशर टाइट्रीमेट्री को भी पढ़ा, जिसमें हमने मॉइस्चर कंटेंट कैसे किया जाता है उसे देखा। इसमें हमने कार्ल फिशर रिएजेंट कैसे बनाया जाता है, कार्ल फिशर रिएक्शन क्या होती है, इसमें आयोडीन का क्या रोल है, वाटर का क्या रोल है, अल्किल सल्फाइड सॉल्ट्स, अल्किल सल्फेट सॉल्ट्स, इस तरह के जो केमिकल एंटिटीज होते हैं उनकी मदद से किस तरह से कार्ल फिशर रिएजेंट के थ्रू हम मॉइस्चर कंटेंट एनालाइज कर सकते हैं, उस बारे में बात हुई। उसके जो टाइप्स हैं, काउलोमेट्रिक एंड वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, उसके बारे में भी हमने बात की। इन टाइट्रेशन में यूज किए जाने वाले जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बारे में बात की। हमने देखा कि किस तरह से वॉल्यूमेट्रिक में हम क्या कार्ल फिशर रिएजेंट कितना कंज्यूम हुआ इसके बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं, जबकि कॉलोमेट्रिक में हम हमारे पास एक आयोडीन आयन जनरेटर इलेक्ट्रोड होता है, वो कितना आयोडीन जनरेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू करंट, इस रिलेशनशिप के बेसिस पर हम कैलकुलेशन करते हैं कि कितना मॉइस्चर है हमारे जो सैंपल है उसके अंदर। तो ऐसी सारी चीजें जो है मॉइस्चर कंटेंट रिलेटेड, मॉइस्चर कंटेंट डिटर्मिनेशन से रिलेटेड, वो सब हमने कार्ल फिशर चैप्टर में देखी थी। उसके बाद हम क्रोमैटोग्राफी वाले फील्ड में आए, और क्रोमैटोग्राफी फील्ड में टोटल थ्री टॉपिक्स हैं।
आप स्टार्ट करते हो इंट्रोडक्टरी क्रोमेटोग्राफी मेथड से, जिसका नाम है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये एक फिजिकल मैनुअल प्रोसेस है जिसको लेबोरेटरी में या एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में एज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म किया जाता है। तो इसके जो सैलियंट फीचर्स है हमने देखे, कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने ये देखा कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्वालिटेटिव एनालिसिस की तरफ ज्यादा जाती है रादर देन क्वांटिटेटिव, क्योंकि इसके रिजल्ट थोड़े से रिप्रोड्यूसिबल नहीं होते उतने जितना हम चाहेंगे, राइट। तो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है, बट स्टिल वो आपको सेपरेशन करके देती है, और आप यहाँ तक कि आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू रिटेंशन फैक्टर कैलकुलेशन। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी काफी डिटेल हमने उसका स्टडी किया। हमने देखा कि किस तरह के स्टेशनरी फेजेस यूज किए जाते हैं, मोबाइल फेजेस यूज किए जाते हैं, उनकी पोलैरिटी और फिर नॉन पोलैरिटी किस तरह से होती है। हमने उसके अलावा ये भी डिस्कस किया कि जो प्लेट होती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में, जो थिन लेयर को सपोर्ट करने वाली जो प्लेट होती है आपकी क्रोमेटोग्राफिक बेड को सपोर्ट करने वाली, उस प्लेट के कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, यू एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इसके साथ साथ हमने विजुअलाइजेशन टेक्निक्स कौन कौन सी हैं वो देखा, प्रैक्टिकल मेथड जब आपको थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी करना होता है तो कैसे करेंगे विथ इमेजेस, हमने ये भी सिखा था। साथ ही साथ इसके बाद फिर हम थोड़ा सा उससे हायर लेवल की जो क्रोमेटोग्राफी है उस पर चले गए, उसका नाम है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो HPLC जो है, HPLC में हमने पढ़ाई की कि उसका बेसिक डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन के साथ साथ हमने और ज्यादा डिटेल में उसको प्रोब किया, और ऐसा करते हुए हमने देखा कि इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग कैसे होता है, एक्चुअली काम कैसे करती है, इसके अंदर किस तरह के डिटेक्टर्स यूज होते हैं, किस तरह के इंडिकेटर्स यूज होते हैं, साथ ही इसके कौन कौन से टाइप्स हैं क्रोमेटोग्राफी के। तो इन सभी जो टॉपिक्स हैं उनको काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया, हाई परफॉर्मेंस क्रोमेटोग्राफी के एडवांटेजेस, लिमिटेशंस और उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो ऐसे बहुत सारे जो टॉपिक्स थे एकदम इन डेप्थ हमने डिस्कस किए। तो इतना अब तक हम कवर कर चुके हैं, और ये सब कवर करने के बाद हम फाइनली पहुंचे हैं गैस क्रोमेटोग्राफी का, जो एक पिनिकल एनालिटिकल टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है, जिसको किसी भी लेबोरेटरी में परफॉर्म किया जाता है, खास करके जो हाई लेवल के जो इंडस्ट्रियल लेबोरेटरीज होते हैं उनमें तो डेफिनेटली ये मिलता ही है। इंस्ट्रूमेंट थोड़ा महंगा है, इसको यूज करने के लिए भी एकदम एक्सपीरियंस्ड और ट्रेंड एनालिस्ट की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके रिजल्ट मेक इट वर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं, आज हम क्या क्या करने वाले हैं। तो देखिए, हमने क्योंकि सेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, राइट, तो हम आज इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, एप्लीकेशन जो है जीसी का वो पढ़ेंगे, साथ ही साथ जीसी सिस्टम की पढ़ाई शुरू करेंगे, और जीसी सिस्टम में हम कॉलम जीसी कॉलम तक जाएंगे, और फिर जीसी सिस्टम के जो एक कंपोनेंट होता है डिटेक्टर्स, डिटेक्टर्स से लेकर फिर आगे के जो टॉपिक्स हैं वो सेकंड सेशन में कवर करेंगे। तो इसका मतलब है कि जीसी डिटेक्टर से आगे के सारे जीसी सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं वो, और जीसी मेथोडोलॉजी, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशंस एंड कंक्लूजंस ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी सारे के सारे सेकंड पार्ट में इंक्लूड किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। गैस क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्शन करना बहुत आवश्यक है, तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी इज अ कॉमन टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी यूज्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री फॉर सेपरेटिंग एंड एनालाइजिंग कंपाउंड्स दैट कैन बी वेपराइज्ड विदाउट डीकंपोजिशन। तो ऐसा अगर कोई भी आपके पास मिक्सचर है केमिकल्स का, जिसके अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं, केमिकल कंपोनेंट्स, वो इवेपोरेशन पर डिकम्पोज नहीं होते हैं, यानी कि दे आर स्टेबल एज अ गैस ऑल्सो, इस तरह के केमिकल्स को अगर आपको सेपरेट करना है, एनालाइज करना है, तो आप गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज करेंगे। चलिए देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे काम करता है। The sample solution injected into the instrument enters a gas stream which transports the sample into a separation tube known as the column. Helium or nitrogen is used as the so-called carrier gas. तो देखिए यहाँ पर क्या है कि sample solution जो होता है आपका, जो आपने sample बनाया हुआ है, right? उसको आप system की जो एक stream होती है उसमें inject करते हो, और इस stream में gas run हो रही होती है। Gas इस sample को लेती है और column की तरफ ले जाती है। हम तो जानते हैं HPLC में से ही जानते हैं कि किस तरह के columns होते हैं, राइट। तो ये कॉलम में लेकर चली जाती है और कॉलम में उसका सेपरेशन होता है। तो ये जो गैस आपके सैंपल को लेकर ट्रेवल करती है उसे हम कैरियर गैस कहेंगे, जो मोबाइल फेज है गैस क्रोमेटोग्राफी में। वेरियस कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड इनसाइड द कॉलम, द डिटेक्टर मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ द कंपोनेंट्स दैट एग्जिट द कॉलम। तो कॉलम में से जितना जितना क्वांटिटी का जो जो कंपोनेंट बाहर निकल रहा है, एल्यूट हो रहा है, एग्जिट कर रहा है, उसका बराबर क्वांटिफिकेशन डिटेक्टर आपका डिटेक्शन करके कर देता है, और यही इंफॉर्मेशन आपको डेटा प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू मिल जाती है। तो कुछ इस तरह से ये काम करता है। अब यहाँ पर इस इमेज में आप देख सकते हैं, देखिए सिलेंडर है जिसमें आपका मोबाइल फेज है, मोबाइल फेज रेगुलेटर के थ्रू फ्लो होकर जा रहा है, यहाँ पर कंट्रोलर है, कंट्रोलर के थ्रू जितना आप अलाउ करेंगे उतना ही गैस अंदर जाएगा, और ये गैस जो है यहाँ से सैंपल इंजेक्शन हो गया। सैंपल इंजेक्शन होने के बाद गैस इस सैंपल के लिए ट्रैवल कर रहा है। ये जो कॉलम है थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है ना, स्पाइरल है, इट्स अ स्पाइरल बट इट इज स्टिल कंसिडर्ड एज अ कॉलम, बिकॉज ओवरऑल ये एक हॉलो ट्यूब है जिसके अंदर पैकिंग मटेरियल भरा हुआ है। तो ये जो स्पाइरल कॉलम है इसमें से गैस पास होकर
अपने और सेपरेशन होने के बाद इंडिविजुअल कंपोनेंट्स डिटेक्टर के अंदर इल्यूट हो रहे हैं, जहाँ से सिग्नल जनरेट होकर आपका डेटा प्रोसेसिंग यूनिट आपको कंक्लूजन प्रोवाइड कर रहा है कि आपके पास कितने कंपोनेंट्स हैं आपके मिक्सचर में, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। टू मेजर अ सैंपल ऑफ अननोन कंसंट्रेशन, अ स्टैंडर्ड सैंपल विद नोन कंसंट्रेशन इज इंजेक्टेड इनटू द इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए यहाँ से इंजेक्ट किया जाता है द अननोन सॉल्यूशन। द स्टैंडर्ड सैंपल पीक रिटेंशन टाइम एंड एरिया आर कंपेयर टू द टेस्ट सैंपल टू इक्वेट टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो यहाँ से देखिए ये पास हो गया यहाँ से और डिटेक्टर में चला गया। अब जैसे जैसे स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन कम आएगा, है कि नहीं, कोई भी डेटा जिस तरह से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बेल शेप्ड कर्व, तो बेल शेप्ड कर्व आपको यहाँ पर भी मिलेगा। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी आने लगेगा आपके कंपोनेंट का, फिर क्वांटिटी बढ़ने लगेगा एक मैक्सिमम पॉइंट तक आकर फिर से क्वांटिटी कम होने लगेगा। तो करस्पॉन्डिंगली यहाँ पर जो सिग्नल जनरेट हो रहा है ना, वो भी शुरुआत में थोड़ा सा वीक होगा, धीरे 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 उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो वो पीक की तरफ जाएगा और एक मैक्सिमम पॉइंट पर आकर यानी कि पीक पर आकर वापस कम होने लग जाएगा। और कुछ इस तरह से वहां पर एक बेल शेप्ड कर्व बन जाएगा और ये बेल शेप्ड कर्व ही सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसके अंदर जो एरिया आता है, जो एरिया कवर करता है, उसके आधार पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली आपके जो एनालाइट है या फिर जो आपका कंपोनेंट है केमिकल मिक्सचर का, एग्जैक्टली उसकी क्वांटिटी या कॉन्सेंट्रेशन कितना था उस सैंपल के अंदर। तो ये डेटा काफी क्रिटिकल है। तो अब हम समझ गए गैस क्रोमेटोग्राफी कैसे काम करता है। ओके अगला पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। तो गैस क्रोमेटोग्राफी के काफी सारे टाइप्स हैं, तो वो सारे टाइप्स हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले जो है उसे गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, जैसे GSC, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड अपॉन अ सॉलिड स्टेशनरी फेज ऑन व्हिच रिटेंशन ऑफ एनालाइट्स इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फिजिकल एडसॉर्प्शन। तो गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, आपके पास गैसियस मोबाइल फेज है जो सैंपल को लेकर आ रहा है और वो स्टेशनरी फेज में घुस जाएगा, राइट। उसके थ्रू रन होगा, स्टेशनरी फेज जो है आपका वो सॉलिड है और उसका जो सरफेस है, उसकी जो सरफेस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसकी वजह से आपका जो एनालाइट के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो फिजिकली एडसॉर्ब हो जाते हैं आपके स्टेशनरी फेज के सरफेस पर। एंड दिस एडसॉर्प्शन कॉजेस रिटेंशन, जिस तरह के HPLC में हो रहा था या फिर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हो रहा था। तो ये बेसिक प्रिंसिपल आ जाता है गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी का। GSC हैज अ लिमिटेड यूज ड्यू टू लॉन्ग रिटेंशन टाइम ऑफ एक्टिव और पोरर मॉलिक्यूल्स एंड सीवियर टिलिंग ऑफ इल्यूशन पीक्स। तो देखिए GSC में क्या होता है, एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है कि ये इसका रिटेंशन टाइम है ना काफी हाई है, यानी कि एक बार वो एनालाइट वहां पर चिपक गया तो जल्दी छोड़ता नहीं है स्टेशनरी फेज को, और इस वजह से फिर आपको एक्सपेरिमेंट काफी लंबे समय तक परफॉर्म करना पड़ता है। इतना ही नहीं, आपको टेलिंग इफेक्ट भी देखने के लिए मिलता है। टेलिंग इफेक्ट यानी कि जब वो अटैच होते हैं ना, उस समय रैपिड अटैचमेंट की वजह से इमीजिएट आपको पीक मिल जाता है, लेकिन अब अटैचमेंट होने के बाद वो उसको वो छोड़ते नहीं है, वो मॉलिक्यूल्स जो एनालाइट के मॉलिक्यूल्स है ना, दे डोंट लेट गो ऑफ द स्टेशनरी फेज, और बहुत स्लो होता है वो स्पीड। उस वजह से क्या होता है कि जिस तरह से शार्प पीक मिला था, उस तरह से शार्प डिक्रीज भी नहीं होता है कॉन्सेंट्रेशन में, वो कॉन्सेंट्रेशन ऐसा ग्रेजुअल ऐसा एक लंबा सा कर्व मिलता है आपको, जिसको हम टेलिंग इफेक्ट कहते हैं। और टेलिंग इफेक्ट इसलिए अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि अगर टेलिंग इफेक्ट आ गया और उस जिस रेंज में टेलिंग इफेक्ट आया, उस सिचुएशन में अगर कोई छोटी मोटी इंप्यूरिटी है जो एकदम छोटा सिग्नल देने वाली है, वो उस उसके नीचे हाइड हो जाएगी, और ये हाइड हो जाने की वजह से आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल पाएगा, कोई इंप्यूरिटी आपकी छूट सकती है। इसलिए आप चाहेंगे हमेशा कि आपको परफेक्ट पीक्स मिले, जो आपको गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी में मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। रियल एप्लीकेशन इज फॉर स्पेसिफिक लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स। तो इसके जो एक्चुअल एप्लीकेशन है, इसको जो बहुत कम लो मॉलिक्यूलर वेट के जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं ना, उनके लिए ज्यादातर यूज किया जाता है गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी को। अगला है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो गैस लिक्विड, जैसा कि आपने गेस कर लिया होगा, गैस सॉलिड में अगर गैस स्टेशनरी और सॉलिड गैस अगर मोबाइल फेज था और सॉलिड स्टेशनरी फेज था, तो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में गैस इज अगेन मोबाइल फेज एंड लिक्विड इज योर स्टेशनरी फेज। तो अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, गैस कैसे लिक्विड कैसे हो गया स्टेशनरी फेज, तो लेट अस सी हाउ इट इज। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज यूजफुल फॉर सेपरेटिंग आयंस एंड मॉलिक्यूल्स दैट आर डिसॉल्वड इन अ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट में अगर आपके पास आयंस और मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व कंडीशन में है, तो उनको सेपरेट करने के लिए आप बहुत अच्छे से गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यूज कर सकते हो। द मोबाइल फेज इज अ गैस व्हाइल द स्टेशनरी फेज इज अ लिक्विड रिटेन ऑन द सर्फेस ऑफ एन इनर्ट सॉलिड बाय एडसॉर्प्शन और केमिकल बॉन्डिंग। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी में जो प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट हो रहा था, उस प्रॉब्लम को कंस्ट्रक्टिवली यूज किया जा रहा है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में। वहां पर क्या कर रहे हैं, आप जानते हैं आपका स्टेशनरी फेज एड्सॉर्ब कर लेगा अलग अलग केमिकल्स को, राइट। तो कुछ इस तरह से स्टेशनरी फेज बनाया जाता है जो सर्टन लिक्विड्स को अपने सर्फेस पर एड्सॉर्ब कर लेगा, और ये जो लिक्विड जो इस स्टेशनरी फेज के सर्फेस पर चिपका रहेगा, उस लिक्विड के थ्रू आपके एनालाइट्स पास होते हैं और उसी के बेसिस पर वो सेपरेट भी होते हैं। तो कुछ इस तरह से आपका जो स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड बन जाता है। ओके, द मोबाइल फेज इज अ गैस व्हाइल द स्टेशनरी फेज इज अ लिक्विड रिटेन्ड ऑन द सरफेस
एज एन इनर्ट सॉलिड, ऑफ एन इनर्ट सॉलिड बाय एडसॉर्प्शन और केमिकल बॉन्डिंग। तो एडसॉर्प्शन या फिर केमिकल बॉन्डिंग करके ये काम किया जाता है, और ये जो जो आपका स्टेशनरी फेज होता है ना, वो इनर्ट होता है, यानी कि वो रिएक्ट नहीं करता है किसी भी लेवल पर आपके सैंपल के साथ। वाइडली अडॉप्टेड मेथड एंड इज मोस्टली एक्नॉलेज एज गैस क्रोमेटोग्राफी। और ये पर्टिकुलर जो टाइप है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जीसी, गैस क्रोमेटोग्राफी की जो पर्टिकुलर टाइप है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये इतनी फेमस और इतनी ज्यादा हाईली अडॉप्टेड है कि आजकल तो लोग इसे ही गैस क्रोमेटोग्राफी कहने लगे हैं। तो अगर किसी दिन आपको कोई कहता है कि चलो गैस क्रोमेटोग्राफी का रिजल्ट आना बाकी है, तो आपके दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि गैस क्रोमेटोग्राफी तो है, लेकिन प्रोबेबली ये गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन देखते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के। आप ऑब्जर्व करेंगे ये सेम इन्फॉर्मेशन एचपीएलसी में भी थी, क्योंकि फ्रेंकली स्पीकिंग उनके एप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं है। आप थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ले लीजिए, आप हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी ले लीजिए, या फिर गैस क्रोमेटोग्राफी ले लीजिए, सबके एप्लीकेशन सेम है। और वो एप्लीकेशन क्या, चलिए देखते हैं। पहला, मेजरिंग लेवल्स ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स जैसे अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स इन फिजियोलॉजिकल सैंपल्स। ऐसे बहुत सारे टेस्ट डॉक्टर्स करवाते हैं पेशेंट्स के, जिनमें उनके ब्लड की टेस्टिंग की जाती है, ब्लड में सर्टेन केमिकल्स की लेवल क्या है, इसके बेसिस पर डायग्नोसिस किया जा सकता है। और डायग्नोसिस होता है विद रिस्पेक्ट टू वेरियस डिसऑर्डर्स और डिजीजेस और हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई हार्ट पेशेंट है, तो उनका रेगुलर बेसिस पर कोलेस्ट्रॉल मॉनिटर किया जाएगा, है ना, जो VLDL होता है, वेरी लो डेंसिटी लिपोपॉलीसेकेराइड, उसको मॉनिटर किया जाएगा रिपीटेडली। उसको इसलिए मॉनिटर किया जाएगा क्योंकि अगर उसकी क्वांटिटी बढ़ती है तो फिर हार्ट में इश्यूज आने का खतरा बढ़ जाएगा, तो फिर करस्पॉन्डिंगली वो करेक्टिव एक्शन लेंगे। तो इस तरह के जो टेस्ट हैं, ऐसे अलग अलग जो केमिकल्स हमारे ब्लड में या फिर हमारे फिजियोलॉजिकल सैंपल्स में होते हैं, जैसे कि यूरिन में, स्टूल में, स्वेट में, टीयर्स में, स्पाइनल फ्लूइड में, गैस्ट्रिक एसिड में, जैसे अलग अलग जो फ्लूइड्स हमारे बॉडी से निकल सकते हैं, उन सभी फ्लूइड्स के थ्रू ये टेस्टिंग पूरी की जाती है, और इसके बेसिस पर जो केमिकल्स डिटेक्ट होते हैं उनके आधार पर डायग्नोसिस किया जाता है। सेकंड है प्यूरिफाइंग कंपाउंड्स फ्रॉम मिक्सचर। आपके पास मिक्सचर है कंपाउंड का, उसको प्यूरिफाई करो। तो ये एप्लीकेशन तो हमने थिन लेयर में भी देखा था, एचपीएलसी में भी देखा था। मेजरिंग लेवल्स ऑफ एक्टिव ड्रग्स, सिंथेटिक बाय प्रोडक्ट्स और डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स इन फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स। तो आपको अगर मेडिसिन बनाई है आपने और आप गारंटी दे रहे हो उसकी शेल्फ लाइफ है, 2 साल तक चलेगी मेडिसिन, राइट, तो नेचुरली आपको 2 साल तक उस प्रोडक्ट को टेस्ट करते रहना पड़ता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उसमें किस किस तरह के केमिकल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके बेसिस पर आपको पता चलेगा कि आपका जो मेडिसिन है वो स्टेबल है कि नहीं है 2 ईयर्स तक। तो शेल्फ लाइफ को डिटरमाइन करने के लिए, उसको काउंटर चेक करने के लिए जीसी का काफी बड़ा हाथ होता है, काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। सेपरेटिंग पॉलीमर्स, डिटरमाइनिंग द मॉलिकुलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉलीमर्स इन अ मिक्सचर। तो पॉलीमर्स को आपस में जो उनको सेपरेट करने का काम, और साथ ही साथ उनका मॉलिकुलर वेट और उसका मॉलिकुलर वेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिटरमाइन करने का काम गैस क्रोमेटोग्राफी करती है। मेजरिंग लेवल्स ऑफ हैजर्डस कंपाउंड्स सच एज पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स। ऐसे कंपाउंड्स जो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स की तरह टॉक्सिक होते हैं नेचर में, खास करके फूड इंडस्ट्री के हिसाब से इस पॉइंट को काफी सीरियसली देखा जाता है, उनको अगर डिटेक्ट करना है और उनका अगर डिटेक्ट करने का उनका क्वांटिटी कितना है आपको डिटरमाइन करना है, तो गैस क्रोमेटोग्राफी इज द वे टू गो। क्वालिटी कंट्रोल, किसी भी तरह का इंडस्ट्री हो जहां पर केमिकल्स यूज हो रहे हैं, आपको क्वालिटी कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। आपके रॉ मटेरियल का क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करना पड़ेगा, आपके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स का क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करना पड़ेगा, और आपके फिनिश प्रोडक्ट का भी क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करना पड़ेगा। यहाँ तक कि ऐसे प्रोडक्ट जो आप मार्केटिंग कर चुके हैं उसके रिटेंशन सैंपल्स का भी आपको क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसकी स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए करते रहना चाहिए। तो ये जो ओवरऑल जो पूरा एनालिसिस होता है ये गैस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू ज्यादा आसान हो जाता है। मॉनिटरिंग एनवायरमेंटल सैंपल्स, एनवायरमेंटल सैंपल्स आपके पास एयर का सैंपल आ गया, वाटर का सैंपल आ गया, या फिर सॉइल का सैंपल आ गया, इन सभी सैंपल्स में अलग अलग जो केमिकल्स प्रेजेंट है उनके एनालिसिस, उनको एनालाइज करके उनको क्वांटिफाई करने के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड फॉलोइंग सिंथेटिक रिएक्शन, अगर केमिकल इंडस्ट्री में कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें कोई प्रोडक्ट बन रहा है जो हमें चाहिए, तो आप चाहते हो कि जो केमिकल रिएक्शन का प्रोग्रेस है उसको चार्ट आउट करना है, तो उसको आपको ट्रैक करना है, तो आप क्या करोगे, ओवर पीरियड ऑफ टाइम उस रिएक्टर में से थोड़ा थोड़ा सैंपल निकालोगे और उस सैंपल का आप गैस क्रोमेटोग्राफी करोगे, और फिर उसके अंदर कितने कितने कंपोनेंट्स और उनका कितना कितना कॉन्सेंट्रेशन है, इसके बेसिस पर स्टेटिस्टिकल डेटा जनरेट करके आप बेसिकली एक ट्रेंड बना सकते हो और देख सकते हो कि आपकी जो केमिकल प्रोसेस है, जो केमिकल रिएक्शन है, वो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन चल रही है या नहीं चल रही है। इतने सारे एप्लीकेशन है, और इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशन है। बेसिकली गैस क्रोमेटोग्राफी के इतने एप्लीकेशन है कि शायद ही कोई फील्ड अभी यहाँ पर छुट्टी होगी। सारे क्रिटिकल फील्ड्स तो इसमें कवर होते ही हैं 100% डेफिनेटली। पेट्रोलियम इंडस्ट्री देखिए, उसके बारे में बात नहीं की, वहां पर भी इसका एप्लीकेशन है। आप नाम लीजिए, उस इंडस्ट्री में आपको गैस क्रोमेटोग्राफी डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ तक कि आपको प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग करना है या फिर आपको किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने हैं, तो वहां पर जो एनवायरनमेंट होता है, जिस एनवायरनमेंट में सारा काम किया जाता है, तो उस एनवायरनमेंट के भी सैंपल्स टेस्टिंग किए जाते हैं ताकि आपको एनवायरनमेंट की क्वालिटी पता चल सके, क्योंकि उस
एनवायरनमेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी पर। तो इसके साथ हमारे एप्लीकेशंस खत्म हो गए। हम अब देखते हैं एचपीएससी इंस्ट्रूमेंट और जो उसका सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान इधर खींचना चाहूंगा, ये एक टिपिकल गैस क्रोमेटोग्राफी मशीन का ये है इमेज है। तो चलिए देखते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सिस्टम है सैंपल हैंडलिंग सिस्टम। ओके, सैंपल हैंडलिंग सिस्टम में से सैंपल जो आपने लोड किया है वो यहाँ पर सैंपल इंजेक्शन सिस्टम में जाएगा। यहाँ से सैंपल इंजेक्ट होगा सिस्टम में, यहाँ पर अंदर कॉइल है स्पाइरल कॉइल, जो जहाँ पर सेपरेशन होगा, सेपरेशन होने के बाद वो डिटेक्टर में जाएगा और डिटेक्टर डेटा फीड करेगा आपके डेटा इंटीग्रेटर पर, डेटा प्रोसेसर पर, और यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कुछ कुछ इस तरह से ये सिस्टम पूरा काम करता है। तो ये मेन इसके बेसिक बेसिक कंपोनेंट है गैस क्रोमेटोग्राफी के, इनको और ज्यादा डिटेल में हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो बाहर से मशीन कैसा दिखता है आपने देख लिया, यहाँ पर एक दूसरा मशीन है जिसको ओपन किया गया है उसको और अच्छे से देखते हैं। देखिए आपके पास एक कंट्रोल पैनल है, इसको एचएमआई कहते हैं, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। यहाँ पर आपके पास कॉइल्स हैं और यहाँ पे आपके पास डिटेक्टर है। तो आप सैंपल इंजेक्ट करोगे यहाँ यहाँ से कहीं पर, ये सैंपल इंजेक्शन मशीन है, यहाँ से सैंपल इंजेक्टर इंजेक्ट हो जाएगा, वो सेपरेट होगा, डिटेक्टर में चला जाएगा, डिटेक्टर उसकी सैंपल की जो क्वांटिटी है उसको डेटा के थ्रू सिग्नल के सिग्नल जनरेट करके डिटरमाइन करेगा और फिर इंफॉर्मेशन डेटा इंटीग्रेटर को दे देगा। ये एक दूसरी और मशीन है, दूसरा मॉडल है। यहाँ पर देख सकते हैं दो तरह के सिस्टम है, एक सिस्टम आपको सैंपल फीड करने में मदद करेगा और दूसरा आपका डिटेक्टर है। ओके, यहाँ पर एक कंप्यूटर है जो होना चाहिए, इमेज में नहीं है, लेकिन यहाँ का जो मेन पॉइंट है ना वो आपको इस बोर्ड इस दीवार पर दिखाई देगा। ये जो है ना ये फिल्टर है आपके गैसेस के, राइट। जब आप इस सिस्टम में मोबाइल फेज गैस यूज कर रहे हो तो गैस की प्यूरिटी भी आपको डिटरमाइन करनी होगी ना। जब आप लिक्विड यूज करते हो तो आप क्या कहते हो कि आर लिक्विड मोबाइल फेज शुड बी फ्री फ्रॉम पार्टिकुलेट मैटर, क्योंकि उससे क्या हो सकता है आपका जो कॉलम है वो जैम हो सकता है, राइट। और कॉलम्स तो एक्सपेंसिव होते हैं, तो इस खर्चे से बचने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लाइफ एक्सटेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे सारे सैंपल्स को अच्छे से रिपीटेडली फिल्टर करके उसको कंडीशन करते हैं तो ताकि वो अच्छे से काम में आए गैस एचपीएलसी में। तो उसी तरह से आपको गैस क्रोमेटोग्राफी में भी देखने को मिलेगा जो अलग अलग तरह के गैसेस आते हैं। अब सबसे पहला तो मोबाइल फेज हो गया, राइट। दूसरा हो गया आपका, अगर जो अलग अलग तरह के डिटेक्टर्स होते हैं उन डिटेक्टर्स के अंदर आपको हीटिंग करनी पड़ती है, तो हीटिंग के लिए फिर एलपीजी गैस या फिर किसी तरह का कम्बस्टेबल गैस यूज किया जाता है। और अलग अलग गैसेज जो है, क्योंकि हर बार एक ही मोबाइल फेज से काम नहीं चलता है, सर्टन कंपाउंड्स के लिए एक स्पेसिफिक मोबाइल फेज ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, ज्यादा अच्छा रेजोल्यूशन देता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको मल्टीपल गैसेस सप्लाई करने के लिए रेडी रहना पड़ता है और उसी के लिए ये सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है, क्योंकि सिलेंडर्स आप लैब में नहीं रख सकते, इट इज हार्मफुल, इट इज नॉट सेफ। तो सिलेंडर्स को फैसिलिटी से बाहर रखा जाता है और थ्रू अ प्रॉपर पाइपलाइन विच आर कलर कोडेड विद रिस्पेक्ट टू देयर नेम एंड नेचर, वहां से ये सप्लाई अंदर आता है जो मशीन में फीड किया जाता है। तो यहाँ पर हम एक लेबल डायग्राम में देख सकते हैं कि टोटल कंपोनेंट्स कितने हैं। तो सबसे पहला जो है आपका कैरियर गैस का सप्लाई जो सिलेंडर में है, यहाँ पर प्रेशर रेगुलेटर है जो रेगुलेट करेगा कितना गैस पास होगा, और यहाँ पर फिल्टर्स हैं जो हमने वॉल पर देखे। तो फिल्टर्स का काम यह है कि पर्टिकुलर जो गैसेस हैं उनको अंदर न घुसने दे, वो जो गैस मोबाइल फेज की तरह काम कर रही है ना सिर्फ उसी को अंदर जाने देंगे। समझ लीजिए आपका जो मोबाइल फेज है वो है हीलियम, और हीलियम में तो थोड़ा सा ऑक्सीजन भी मिक्स है, तो आप ऑक्सीजन को अलाउ नहीं कर सकते, तो फिल्टर भी ओनली अलाउ हीलियम टू पास थ्रू एंड इट विल स्टॉप ऑक्सीजन। सिमिलरली अगर आपका मोबाइल फेज हाइड्रोजन है तो सिर्फ हाइड्रोजन को पास होने देगा, या फिर नाइट्रोजन है तो सिर्फ नाइट्रोजन को पास होने देगा। उसमें ट्रेस एलिमेंट्स ऑफ अदर गैस कैन बी फाउंड एज इंप्यूरिटीज, दीज इंप्यूरिटीज विल बी स्टॉप्ड एट दिस गैस फिल्टर्स। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल क्या करेगा, आपको याद होगा जिस तरह से एचपीएलसी में जो फ्लो है वो कांस्टेंट होना आवश्यक है, उस तरह से गैस का फ्लो भी सिस्टम के अंदर कांस्टेंट होना आवश्यक है, क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो की वजह से आपको हमेशा रिपीटेबल और रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। एक कांस्टेंट फ्लो अगर आप मेंटेन करते हैं तो ये आपको रिलायबल और रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो इसलिए आपको फ्लो कंट्रोल यहाँ पर इंस्टॉल किया है। फ्लो कंट्रोल आपके गैस को पंप कर रहा है इंजेक्टर के अंदर, और इंजेक्टर ये वो जगह है जहाँ पर आपका सैंपल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, अननोन सैंपल है। इंजेक्टर हीटेड होता है कई सारे केसेस में, इसके भी एक्सेप्शंस हैं, लेकिन जनरली इट इज हीटेड। तो हीट की वजह से जब आप सैंपल यहाँ पर अंदर इंसर्ट करते हैं तो इंस्टेंट वेपराइजेशन हो जाता है, और जो वेपराइज्ड जो सैंपल है वो सैंपल गैसेस के साथ कॉलम में चला जाता है जहाँ पर सेपरेशन होता है उसका, और फिर सेपरेशन होने के बाद ओवन में जो सेपरेशन होता है वहां से निकलने के बाद वो डिटेक्टर में पहुंच जाता है। डिटेक्टर में पहुंचने के बाद वहां पर एक सिग्नल जनरेट होगा विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन, the increase and decrease in concentration of various analytes in the order they are eluted from the detector, from the column.
जिस ऑर्डर में वो इल्यूट हो रहे हैं उसी ऑर्डर में उनसे उनके बेसिस पर एक सिग्नल जनरेट होगा, सिग्नल कंप्यूटर में जाएगा और कंप्यूटर आपको इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन देगा एक्सपेरिमेंट। तो जैसा कि हमने पिछले इमेज पे देखा, टोटल 7 अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है कैरियर गैस, दूसरा है जीसी सैंपल इंजेक्टर सिस्टम, तीसरा है कॉलम ऑफ जीसी सिस्टम, फोर्थ है लिक्विड फेजेस जो यूज किए जाते हैं, फिफ्थ है सपोर्ट मटेरियल, सिक्स्थ है डिटेक्टर्स और सेवन्थ है रिकॉर्डर्स। तो कुल मिलाकर इतने सिस्टम्स हैं। तो हमारा जो पहला सेशन है, हम पहले सेशन में सपोर्टिंग मटेरियल तक कवर करेंगे, डिटेक्टर से आगे जो है वो हम पार्ट टू में वीडियो के डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कैरियर गैस। कैरियर गैस तो बहुत सारे हैं, है ना, अवेलेबल। आप यहाँ पर सिलेंडर में देख सकते हैं, देर आर मल्टीपल गैसेस विच सर्व मल्टीपल पर्पजेस इन गैस क्रोमेटोग्राफी। तो देखिए, सबसे कॉमन जो कैरियर गैस है ना, वो हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन है। ये चार गैसेस सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। हीलियम इज प्रेफर फॉर थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर्स बिकॉज ऑफ इट्स हाई थर्मल कंडक्टिविटी रिलेटिव टू दैट ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिक वेपर्स। तो हीलियम की जो थर्मल कंडक्टिविटी है ना, वो काफी हाई है, इसी वजह से उसको प्रेफर किया जाता है ज्यादा, क्योंकि हीटिंग हो रही है सैंपल को हीट करने के लिए। तो वैसे सिचुएशन में ये जरा स्टेबल रहेगा, उसको अच्छे से हैंडल करता है सिचुएशन को। नाइट्रोजन इज प्रेफरेबल व्हेन लार्ज कंजम्पशन ऑफ कैरियर गैसेस, और अगर आपको बहुत हाई कंजम्पशन, लार्ज क्वांटिटी ऑफ गैस लगने वाली है, लंबा रन है, तो ऐसे सिचुएशन में नाइट्रोजन को प्रेफर किया जाता है। देयर इज अ रीजन, बिकॉज हीलियम इज एक्सपेंसिव, हीलियम काफी एक्सपेंसिव होता है, नाइट्रोजन रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू, इट इज स्टिल एक्सपेंसिव बट रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू हीलियम। तो अगर लार्ज क्वांटिटी ऑफ मोबाइल फिज अगर चाहिए आपको एक्सपेरिमेंट पूरा करने के लिए, तो यू शुड ऑलवेज चूज नाइट्रोजन। तो जो सिस्टम है, गैस को सिलेंडर से होकर गैस को सिस्टम तक, यानी कि जीसी सिस्टम तक लाने का जो मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म कैसा है, चलिए वो देखते हैं। कैरियर गैस फ्रॉम द टैंक, यानी कि यहाँ पर टैंक है, पासेस थ्रू अ टॉगल वाल्व, अ फ्लो मीटर विच हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ फ्लो फ्रॉम 1 to 1000 mL/min, कैपिलरी रेस्ट्रिक्टर्स एंड अ प्रेशर गेज 1 to 4 एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो देखिए, आपके पास यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, टैंक से पास हो रहा है थ्रू अ टॉगल वाल्व। टॉगल वाल्व मतलब ये आपको मतलब गैस को अंदर कंटेन करने का ये काम करेगा वॉल्व। जब तक आप इसको ओपन नहीं करोगे नॉब को घुमाकर, तब तक ये गैस को बाहर आने नहीं देगा। सो इट इज द स्टॉपर बेसिकली ऑफ द गैस कंटेनर। फिर एक फ्लो मीटर है, फ्लो मीटर आपको ये बताएगा कि एक्चुअली कितना गैस फ्लो हो रहा है। तो 1 ml/min से लेके 1000 ml/min तक उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। फिर कैपिलरी रेस्ट्रिक्टर्स हैं, कैपिलरी रेस्ट्रिक्टर्स ये वो हैं जो गैस के फ्लो को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। और फिर प्रेशर गेज है जो गैस के फ्लो का एक्चुअल जो हमें मिल रहा है उसको मेजर करेंगे। और जो गैस जो इसका कैपेबिलिटी है वो है 1 to 4 एटमोस्फेयर प्रेशर। फ्लो रेट इज एडजस्टेड बाय मींस ऑफ नीडल वॉल माउंटेड ऑन द बेस ऑफ द फ्लो मीटर एंड कंट्रोल्ड बाय कैपिलरी रेस्ट्रिक्टर्स। तो फ्लो रेट है ना, वो एडजस्ट कैसे किया जाता है, एक नीडल वॉल के बेसिस पर जो फ्लो मीटर के बेस पर इंस्टॉल्ड होता है एंड कंट्रोल्ड बाय द कैपिलरी रेस्ट्रिक्टर्स। तो कैपिलरी रेस्ट्रिक्टर्स एक मैकेनिज्म है, आप बेसिकली ये जो आपका ये होता है रेगुलेटर, रेगुलेटर के साथ ही वो अटैच होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, उनको गोल गोल घुमाया जा सकता है। तो आप रेगुलेटर में जो सेट कर दोगे, फ्लो रेट इज एडजस्टेड बाय मींस ऑफ अ नीडल वॉल माउंटेड एट द बेस ऑफ द फ्लो मीटर एंड कंट्रोल्ड बाय कैपिलरी रेस्ट्रिक्टर्स। तो कैपिलरी रेस्ट्रिक्टर्स का इस्तेमाल करके आप एक फ्लो मीटर के बेस पर जो माउंट किया गया है नीडल वॉल, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। नीडल वॉल बहुत पॉपुलर है विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोलिंग गैसेस। आप अलग अलग जो ऑटोक्लेव्स इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जिनके अंदर स्टीम बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ऐसे सिचुएशन में स्टीम के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए भी नीडल वॉल्स पॉपुलर है, काफी रेगुलरली यूज किए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द गैस क्रोमेटोग्राफी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट गैस फ्लो। तो जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है गैस क्रोमेटोग्राफी की, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है कांस्टेंट गैस फ्लो में। तो इसके लिए इस पाइपलाइन में भी फीचर्स उस तरह के होने चाहिए। तो हम यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं मल्टीपल है, देखिए जैसे कैरियर गैस सिलेंडर है, ओके, फिर हाइड्रोजन सिलेंडर है, नाइट्रोजन सिलेंडर है, एयर सिलेंडर है। तो एयर और नाइट्रोजन सिलेंडर विल कम टुगेदर एंड दे विल वर्क फॉर इन ऑर्डर टू क्रिएट अ फ्लेम और हीटिंग एनवायरनमेंट, हीटेड एनवायरनमेंट। नाइट्रोजन है आपका, और यहाँ पर ऑक्सीजन ट्रैप, हाइड्रोकार्बन ट्रैप आप देख सकते हैं, मॉइस्चर ट्रैप, ट्रिपल फिल्टर्स, ये सारे ट्रैप्स जो है ना इसलिए सेट किए जाते हैं ताकि जो गैस हमें चाहिए सिर्फ उतना ही गैस एंट्री करेगा, बाकी सारी जो इम्प्योरिटीज हो बाहर ही रुक जाए। तो कुछ इस तरह से ये वॉल्व के थ्रू इसको ओपन करके अच्छे से रेगुलेट किया जाता है पूरे फ्लो को, और सिस्टम में ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन फीड की जाती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो FID डिटेक्टर होता है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, मोस्टली पॉपुलर है, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर जिसको कहते हैं, जो गैस क्रोमेटोग्राफी सिस्टम के पास साथ आता है, तो उसमें 3 सप्लाई लगते हैं, एयर, हाइड्रोजन और मेकअप। मेकअप किसके लिए है, ताकि प्रेशर कम ना हो जाए जब ये पूरा ये हो रहा है ना, बल्क जो क्रिएट हो रहा है पूरा गैस का अंदर, जिसको बर्न किया जा रहा है, तो वहां पर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करने के लिए, साथ ही साथ एयर और हाइड्रोजन तो
एज अ फ्यूल काम करते हैं, बिकॉज एयर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज इनफ्लेमेबल। तो कैरियर गैस जो है सिलेंडर का, यानी कि मोबाइल फेस, वो मोबाइल फेस भी कुछ इसी तरह से सिस्टम के अंदर चला जाएगा और वो सीधा गैस क्रोमेटोग्राफी का जो कॉलम है उसके साथ लिंक्ड होगा। तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के सिस्टम के। इसमें से सबसे पहला कंपोनेंट है इंजेक्टर सिस्टम। तो सैंपल किस तरह से गैस क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम में या कॉलम में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है, क्योंकि एचपीएलसी की तरह इसका जो फ्लो होता है गैस का फ्लो, इट इज ससेप्टेबल टू डिस्टर्बेंस व्हाइल इंजेक्टिंग अ पर्टिकुलर सैंपल और इंट्रोड्यूसिंग अ सैंपल इन द सिस्टम ट्यूबिंग। तो ये जो डिस्टर्बेंस है, इस डिस्टर्बेंस के वजह से जो इश्यूज आ सकते हैं, यानी कि आपको अनसर्टन रिजल्ट्स मिलेंगे, रिपीटेबिलिटी कम हो जाएगी, रिलायबिलिटी भी कम हो सकती है, तो ड्यू टू दिस फॉल्स पॉजिटिव्स फॉल्स नेगेटिव्स आ सकते हैं। तो इन सभी इश्यूज से बचने के लिए जो इंजेक्टर सिस्टम है वो काफी अच्छा बनाया जाता है। इनफैक्ट इसको काफी क्रिटिकल माना गया है गैस क्रोमेटोग्राफी में। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है। लिक्विड सैंपल्स आर इंजेक्टेड बाय माइक्रो सिरिंज विद अ नीडल इंसर्टेड थ्रू अ सेल्फ सीलिंग सिलिकॉन रबर सेप्टम इनटू अ हीटेड मेटल ब्लॉक बाय अ रेजिस्टेंस हीटर। तो देखिए क्या कहता है, लिक्विड सैंपल्स आर इंजेक्टेड यूजिंग अ माइक्रो सिरिंज। ये माइक्रो सिरिंज जैसा दिखता तो नहीं है, लेकिन अज्यूम कर लीजिए माइक्रो सिरिंज है। माइक्रो सिरिंज के थ्रू एक जो सेप्टम होता है सिलिकॉन से बना हुआ, सिलिकॉन रबर सेप्टम, ये प्लग की तरह होता है। आपने इंजेक्शन के छोटे छोटे वायल्स तो देखे होंगे ना, जहां से डॉक्टर इंजेक्शन देने के लिए किसी को मेडिसिन विथड्रॉ करते हैं, तो वो जो रबर का जो ढक्कन होता है दैट इज सिलिकॉन। वैसे उसमें काफी सारे टाइप्स आते हैं, नियोप्रीन, आइसोनियोप्रीन, ब्रोमोब्यूटाइल और सिलिकॉन रबर भी उसमें पॉसिबल है। तो ऐसे अलग अलग तरह के जो रबर मटेरियल होते हैं उसमें से सिलिकॉन रबर को यहाँ पर एज अ प्लग यूज किया जाता है। आप इन नीडल इसके थ्रू पंक्चर करके अंदर ऑन द अपोजिट साइड उसको भेजते हो और फिर इमीडिएटली प्लंजर को प्रेस करके सारा जो कंटेंट है आपका लिक्विड का वो अंदर उतार देते हैं, राइट। तो यहाँ पर फ्लैश वेपराइजेशन होता है ऑन द इनिशियल एंट्री एंड कैन गिव पार्शियल लॉस ऑफ हाइपर लिक्विड। तो यहाँ पर इमीडिएटली हीटेड एनवायरनमेंट होता है, दिस यूनिट इज हीटेड। जैसे आप सैंपल इंट्रोड्यूस करते हो इमीडिएटली वो क्या होता है, वेपराइज हो जाता है। वेपराइजेशन के होने की वजह से यहाँ पर एक छोटा सा लिमिटेशन ये है कि हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपाउंड्स वहाँ पर लॉस हो सकते हैं। फिर प्लंजर को आप प्रेस कर देंगे, प्रेस करने के बाद एरोसोलाइजेशन हो जाएगा हीटिंग की वजह से, और एरोसोलाइजेशन होने के बाद आप इंजेक्शन को बाहर खींचकर बाहर निकाल लोगे, राइट। और इसी के साथ ये सेप्टम भी रबर से बना होता है तो ये अपने आप क्लोज हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा आपका सैंपल अंदर। गैसेस सैंपल्स आर इंजेक्टेड बाय अ गैस टाइट सिरिंज और थ्रू अ बायपास लूप एंड वॉल्व। तो बायपास लूप भी होते हैं इसके अंदर, उनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। टिपिकल सैंपल वॉल्यूम रेंज फ्रॉम 0.1 टू 0.2 एमएल। तो सैंपल वॉल्यूम देखिए कितना छोटा है, 0.1 से लेकर 0.2 एमएल तक सफिशिएंट होता है एक प्रॉपर गैस क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस करने के लिए। तो ये जो इंजेक्टर सिस्टम है इसका तो बेसिक आइडिया हमने देख लिया, लेकिन इसके काफी सारे टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू रिक्वायरमेंट एंड विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशंस, इनमें काफी सारे मॉडिफिकेशंस भी किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कितने कितने टाइप के इंजेक्टर सिस्टम है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक फोर टाइप्स हैं। पहला है डायरेक्ट इंजेक्टर, इसको पैक्ड कॉलम या वाइड बोर इंजेक्टर भी कहते हैं। दूसरा है ट्रू कोल्ड ऑन कॉलम इंजेक्टर। थर्ड टाइप है स्प्लिट एंड स्प्लिटलेस इंजेक्टर। ये एक्चुअली दो अलग अलग तरह के इंजेक्टर्स हैं, लेकिन इनका हार्डवेयर सेम होता है, सिर्फ इनके यूज करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा बदल जाता है, तो इसलिए इसको स्प्लिट या फिर स्प्लिटलेस इंजेक्टर दोनों कहा जाता है। और फिर पीटीवी यानी कि प्रोग्राम टेम्परेचर वेपराइजर इलेक्ट्रोड इंजेक्टर, राइट। तो इतने चार टाइप के जो बेसिक इंजेक्टर्स हैं उनको अब हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे लिस्ट में सबसे पहला है डायरेक्ट इंजेक्टर। दिस इंजेक्टर इज यूज्ड फॉर पैक्ड कॉलम्स एंड वाइड बोर कैपिलरी कॉलम्स। तो पैक्ड कॉलम्स और वाइड बोर कैपिलरी कॉलम्स है ना, उनके लिए यूज किया जाता है। देखिए पैक्ड कॉलम यानी कि ऐसा कॉलम जिसको सॉलिड मटेरियल के साथ भर दिया गया है, वाइड बोर कॉलम यानी कि जिसके अंदर थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस है, राइट। वाइड बोर जो थोड़े से थिक भी होते हैं डायमेंशन में, इस तरह के जो कॉलम होता है ना वहां पर डायरेक्ट इंजेक्टर को यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर लिक्विड सैंपल्स विच कैन बी प्योर लिक्विड कंपोनेंट्स और सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड और सॉलिड सैंपल्स। तो लिक्विड सैंपल्स, प्योर लिक्विड कंपोनेंट्स, सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड और सॉलिड सैंपल्स जहां पर आपको टेस्ट करने होते हैं वहां पर आप डायरेक्ट इंजेक्टर को यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट इंजेक्शन इज प्रैक्टिकली ऑलवेज कैरीड आउट एट अ हाई टेंपरेचर एंड देयरफॉर अ टेंपरेचर कंट्रोल यूनिट इज रिक्वायर्ड। तो यूजुअली ये जो इंजेक्शन होता है डायरेक्ट डायरेक्ट इंजेक्टर का, ये हाई टेंपरेचर पर ही किया जाता है, इसलिए आपके पास एक टेंपरेचर कंट्रोलिंग यूनिट होना आवश्यक है। जीसी सैंपल इंजेक्टर सिस्टम, उसमें नेक्स्ट है ट्रू कोल्ड ऑन कॉलम इंजेक्टर। देखिए जैसा कि हमने देखा था कि गैस क्रोमेटोग्राफी में बेसिक जो यहाँ पर सैंपल इंट्रोड्यूस किया जाता है कि सिस्टम में सर्कुलेशन में, तो उसको इमीडिएटली वेपराइज कर दिया जाता है और इन द फॉर्म ऑफ गैस इट इज देन कैरीड बाय
मोबाइल फेस इन टू द कॉलम वेयर इट गेट्स सेपरेटेड इन टू इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। दिस हैपेंस। लेकिन कुछ कुछ इस तरह के होते हैं सैंपल्स जिनको ठंडा रखना आवश्यक होता है क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाएंगे, तो इनको इन द लिक्विड फॉर्म ही इनको इंट्रोड्यूस करना होता है आपके कॉलम में, राइट। तो इस तरह का जो सैंपल्स है इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए जो इंजेक्टर सिस्टम यूज किया जाता है उसे ट्रू कोल्ड ऑन कॉलम इंजेक्टर सिस्टम कहते हैं। इसमें दो तरह के कूलिंग सिस्टम होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कूलिंग सिस्टम, और दोनों ही कूलिंग सिस्टम यहाँ से जो इंजेक्ट किया जाता है मटीरियल उनमें उसको कूल करके उसका जो लिक्विड सैंपल है वो इस तरह से वो कॉलम की तरफ भेजते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किस तरह से काम करता है, रूम टेम्परेचर है और फिर ओवन टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा है, राइट। तो इस सिचुएशन में धीरे धीरे मतलब यहाँ से वो रूम टेम्परेचर पर जा रहे हैं और जैसे जैसे ओवन की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और वहां पर फिर उनका सेपरेशन भी होता है। तो ये है कोल्ड ऑन कॉलम इंजेक्टर। अगला है स्प्लिट इंजेक्टर। स्प्लिट इंजेक्टर बेसिकली एक ऐसा इंजेक्टर है जो आपके कॉलम को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। स्प्लिट इंजेक्टर का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आपका सैंपल थोड़ा ज्यादा है या कॉन्सेंट्रेट ज्यादा है उसके अंदर या फिर इम्प्यूरिटीज होने की पॉसिबिलिटी है तो ये आपके कॉलम को ओवरलोड कर सकता है जिससे कॉलम जाम हो जाएगा और आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, आपको सीवियर टेलिंग इफेक्ट मिल जाएगा या फिर ऑल टुगेदर स्पूरियस रिजल्ट मिलेंगे। तो इससे बचने के लिए फिर क्या किया जाता है, ये जो स्प्लिट इंजेक्टर होता है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो में, जैसे ही मिडिल में से जो सैंपल अंदर इंट्रोड्यूस होता है वो यहाँ से देखिए ये जो पार्ट है ना यहाँ पर छोटा सा, इसको मैग्नीफाई करके यहाँ पर देखिए इसमें छोटा सा गैप होता है एकदम पतला सा, राइट। तो एयर टाइट नहीं है ये पर्टिकुलर, ये जो जॉइंट है ना इस चेंबर का और इस अपर्चर का जो जॉइंट है एयर टाइट नहीं है। तो यहाँ से है ना आपका सैंपल अगर थोड़ा बहुत ज्यादा क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा सैंपल एक साथ नहीं घुस पाएगा, तो जितना ऊपर ओवरफ्लो हो रहा है वो ओवरफ्लो यहाँ से ऊपर चला जाता है, यहाँ से कुछ तरह ऊपर चला जाता है और ऊपर चले जाने के बाद यहाँ पर जो स्प्लिट लाइन है उसका वॉल ओपन होता है, वहां से वो बाहर निकल जाता है। तो दिस हेल्प्स अस टू अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ द कॉलम। ये खास करके ऐसे सिचुएशन में किया जाता है जहां पर सैंपल की क्वांटिटी इधर ज्यादा है या कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। यहाँ पर डायमेंशन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, आप इसको जरा प्लीज ध्यान से पढ़िएगा, इस स्लाइड को जरा पॉज कर लीजिए और आपको प्रैक्टिकल जो स्पेसिफिकेशन है विद रिस्पेक्ट टू दिस इक्विपमेंट ये आपको देखने को मिल जाएंगे। दिस इज द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड इंजेक्टर फॉर कैपिलरी कॉलम। तो ये सबसे ज्यादा यही यूज होता है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि इसमें इनबिल्ट सेफ्टी मैकेनिज्म है ना कॉलम को सेव करने के लिए, कॉलम को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो इट इज प्रेफर्ड बाय एंड इज वेरी पॉपुलर इन ऑल एकेडमिक एज वेल एज रिसर्च सर्कल। द स्प्लिट इंजेक्टर इज डिराइव्ड फ्रॉम डायरेक्ट इंजेक्टर एंड इज ऑल्सो बेस्ड ऑन रैपिड इवैपोरेशन। इसमें भी हीटिंग है, हीटिंग की वजह से सिस्टम आपका सॉरी जो एनालाइट है वो इमीडिएटली इवैपोरेट होता है। गैस सैंपल इंजेक्टर सिस्टम स्प्लिटलेस इंजेक्टर। दिस टाइप ऑफ इंजेक्टर इज यूज्ड फॉर हाईली डाइल्यूटेड सैंपल्स। तो स्प्लिटलेस जो इंजेक्टर है ना वो हाईली डाइल्यूटेड सैंपल्स के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमने स्प्लिट इंजेक्टर में देखा कि आपका सैंपल का क्वांटिटी ज्यादा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो इसकी वजह से आपका जो कॉलम है वो ओवरलोड हो सकता है। लेकिन जैसा वो सिचुएशन एग्जिस्ट करता है उसके साथ साथ ऐसे दूसरे सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करते हैं जिनमें कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा कम होता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप स्प्लिट नहीं करना चाहोगे, आप चाहोगे कि सारा का सारा सैंपल आपके कॉलम में डिलीवर होना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में आप स्प्लिटलेस इंजेक्शन यूज करते हो और बेसिकली ये कुछ नहीं होता है, जो आपका रेगुलर इंजेक्टर है वही होता है, लेकिन स्प्लिट लाइन जो है ना उसको बंद कर दिया जाता है, ये जो वॉल है इसको क्लोज कर देते हैं ताकि जो सारा जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम धीरे धीरे कॉलम में इंट्रोड्यूस हो जाए और आपको प्रॉपर गैस क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस करने का मौका मिले। तो वो था आपका स्प्लिट इंजेक्टर, स्प्लिटलेस इंजेक्टर। अगला आपका जो इंजेक्टर है वो है प्रोग्राम टेम्परेचर वेपराइजर इंजेक्टर। तो ये पीटीवी इंजेक्टर है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि पर्टिकुलर कंपाउंड्स, अब तक जो हमने देखे ना वहां पर टेम्परेचर रेगुलेशन था लेकिन उतना एक्यूरेट नहीं था। सर्टन कंपाउंड्स कैन बी वेपराइज्ड एंड मेंटेन्ड एज स्टेबल गैस ओनली एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, बट उस टेम्परेचर से ज्यादा अगर आप एक्सीड कर जाएंगे आपका जो हीटिंग एक्टिविटी है उसको, तो वहां पर थोड़ा सा अनवांटेड आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अनवांटेड रिजल्ट्स यानी कि उस केमिकल का डिग्रेडेशन हो सकता है, एरिया में प्रेशर बढ़ जाने की वजह से लीकेजेस बढ़ सकते हैं, राइट। इस तरह के काफी सारे इश्यूज आ सकते हैं, इनसे बचने के लिए जरूरी होता है कि आपका जो कंपाउंड जो आपका मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर जो अलग अलग कंपाउंड्स प्रेजेंट है जिनका आपको एनालिसिस करना है उनका जो स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिस पर वो सेफली उनको वेपराइज किया जा सकता है उस टेम्परेचर को आपको सेट करना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो हीटिंग एलिमेंट है, ये जो ब्लैक कलर के जो डॉट्स है ना
दे आर एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल। ये कॉइल जो इसको इस तरह से स्पाइरल शेप में इसको कर दिया गया, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है ना, सॉरी वर्टिकल सेक्शन है, तो इसकी वजह से आपको सिर्फ यहाँ पर डॉट्स दिख रहे हैं। इस हीटिंग एलिमेंट है जो गर्म कर रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर जो टेम्परेचर हमने सेट किया है उसी के हिसाब से, और सोल्यूशन सीधा कॉलम में चला जाता है। आफ्टर सॉल्वेंट इवेपोरेशन द स्प्लिट वेंट इज क्लोज्ड एंड द इंजेक्टर इज हीटेड अप टू ट्रांस हीटेड अप टू ट्रांसफर टारगेट कंपाउंड्स टू द कॉलम। इतने सारे इंजेक्टर तो हमने देख लिए, लेकिन अगर आपको चूज करना है कि भाई मेरा जो सैंपल है उसके लिए सबसे अच्छा इंजेक्टर कौन सा है, तो इसके लिए एक छोटा सा गाइड बनाया गया है, इस पर जरा ध्यान दीजिए। तो आपको आपके सैंपल की सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, अगर वो प्रॉपर्टीज आपको पता है तो उसके बेसिस पर आप डिसीजन ले सकते हो। ऑलराइट, तो एक बात याद रखिएगा, एज ए एनालिस्ट हु वर्क्स इन अ केमिकल लेबोरेटरी, आपको हर रोज नया चैलेंज नहीं आएगा। आपके पास जो सैंपल आते हैं ना, वो प्रेडिक्टेबल सैंपल्स होते हैं, वो किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में से आ जाते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर रॉ मटेरियल होता है, तो इसके लिए सेट प्रोटोकॉल्स होते हैं इनके टेस्टिंग के लिए, और उन सेट प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग ही टेस्टिंग पूरी की जाती है। सो इट इज इट मीन इट ये हर रोज वाली बात नहीं है कि आपको रोज आज कौन सा एक नया इंजेक्टर सिस्टम यूज करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन हर रोज नहीं आता है। यूजुअली प्रॉपर जो इंडस्ट्री होती है उनके लेबोरेटरीज में ये पहले से डिफाइंड होता है, सो यू डोंट एक्चुअली हैव टू थिंक। लेकिन इसके पीछे का जो रैशनल है वो रैशनल आपको पता होना चाहिए, उसी के लिए ये चार्ट है। तो सैंपल आपका कैसा है उसके ऊपर पहले ध्यान दीजिए। अगर सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है तो आपको ट्रायल एंड एरर बेसिस पर, जैसा कि आप देख रहे हैं वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन, तो ट्रायल एंड एरर बेसिस पर आपको देखना होगा कि कौन सा इंजेक्टर ज्यादा अच्छा काम कर रहा है आपके। तो जो इंजेक्टर आपको अच्छे रिलायबल रिजल्ट देगा आप उसी को चूज कीजिएगा। अगर लो कॉन्सेंट्रेशन है तो उसमें आपको देखना पड़ेगा वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। जैसे अगर स्टेबल है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एयर का सैंपल लिया है जिसको आपको रन करना है, तो ऐसे सैंपल को रन करने के लिए आप उसकी स्टेबिलिटी तो काफी अच्छी है ना, एयर बेसिकली स्टेबल। लेकिन अगर आपके पास लेटर से सोडा का एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा गैस है जो इमिजिएटली लिक्विड में या सॉलिड इसमें कन्वर्ट हो रहा है, कार्बोनिक एसिड टू गैस कन्वर्जन हो रहा है, तो क्वांटिटी कम ज्यादा हो रही है ना यहाँ पे। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही ले लीजिए, उसमें फ्यूम्स होते हैं, तो इमिजिएटली इट इज रिलीजिंग एचसीएल फ्यूम्स, तो इसकी वजह से जो एटमोसफियर है आपका सैंपल का वो थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है। तो अगर स्टेबल है तो फिर आपका नया क्राइटेरिया आपको चूज करना होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट है या हाई बॉइलिंग पॉइंट है। अगर लो बॉइलिंग पॉइंट है तो फिर आपको ये देखना है कि पोलर सॉल्वेंट है या नॉर्मल पोलर सॉल्वेंट है। अगर पोलर सॉल्वेंट है तो फिर उसमें आपको उसका क्वांटिटी देखना है सैंपल का, लेस देन 2 माइक्रोलीटर है या ग्रेटर देन 2 माइक्रोलीटर है। अगर ग्रेटर देन 2 माइक्रोलीटर है तो अगेन आपको ट्रायल एंड एरर से डिटरमाइन करना पड़ेगा, लेकिन लेस देन 2 माइक्रोलीटर सैंपल है तो ऑन द कॉलम आप ऑन द कॉलम जो इंजेक्शन होता है वो यूज कर सकते हो, कोल्ड ऑन कॉलम, और फिर स्प्लिट इंजेक्शन भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। जबकि अगर आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो आप ऑन द कॉलम और स्प्लिटलेस इंजेक्शन यूज कर सकते हो। साथ ही साथ जब आपके पास हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला अगर सैंपल आ गया तो उसके भी पोलरिटी आपको चेक करनी है। अगर वो पोलर सॉल्वेंट है तो और उसका जो क्वांटिटी है वो लेस देन 2 माइक्रोलीटर या फिर ग्रेटर देन 2 माइक्रोलीटर है, तो करस्पॉन्डिंगली कोल्ड ऑन कॉलम इंजेक्टर और वेट ट्रायल एंड एरर मेथड से आपको डिटरमाइन करना होगा कि कौन सा इंजेक्टर बेस्ट काम करेगा। तो ये बेसिकली एक डिसीजन ट्री है जो आपको मदद करेगा इंजेक्टर चूज करने में, आपका जो भी सैंपल है उसका। फिर अनस्टेबल, अगर आपका लो कॉन्सेंट्रेशन वाला अनस्टेबल सैंपल है तो उसमें अगर आपको पोलर और नॉन पोलर देखना होगा, उसमें अगर क्वांटिटी आप चूज करोगे लेस देन 2 माइक्रोलीटर है ग्रेटर देन 2 माइक्रोलीटर है। अगर लेस देन है तो फिर ऑन कॉलम कोल्ड ऑन कॉलम इंजेक्शन यूज कीजिए, अगर ग्रेटर देन 2 माइक्रोलीटर है तो ट्रायल एंड एरर से आपको डिटरमाइन करना होगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट के लिए ऑन द कोल्ड ऑन कॉलम इंजेक्शन अप्रोप्रिएट है। अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो अगर उसमें भी सेम क्राइटेरिया अप्लाई किया जाएगा, यानी चेक किया जाएगा वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। जो स्टेबल है उसमें लो बॉइलिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट चेक किए जाएंगे, और लो बॉइलिंग पॉइंट के लिए अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो स्प्लिट इंजेक्टर, स्प्लिटलेस इंजेक्टर और कोल्ड ऑन कॉलम इंजेक्टर को यूज किया जाएगा, जबकि हाई बॉइलिंग पॉइंट के लिए कोल्ड ऑन कॉलम ही यूज किया जाता है। अनस्टेबल कंपाउंड्स ऑन द अदर हैंड, उनके लिए कोल्ड ऑन कॉलम इंजेक्टर बेस्ट है अगर कॉन्सेंट्रेशन उनका हाई है। तो कुछ इस तरह से इस डिसीजन ट्री जो है इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको गाइड करेगा कि कौन सा बेसिस पे आपको किस तरह का इंजेक्टर सिलेक्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ योर सैंपल। तो हम आ गए अगले कंपोनेंट पे, जीसी कॉलम। ये कॉलम में ही सेपरेशन होता है ना, कॉलम नहीं तो बेसिकली आपके गैस क्रोमेटोग्राफी को भी मतलब ही नहीं बनता। कंपोनेंट का जो सेपरेशन होता है वो तो इसी के अंदर होता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इट इज हार्ट ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। और इसका जो शेप है आप देख सकते हैं, आइदर यू शेप होता है या कॉइल्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लैट पैनकेक। इसमें तीन अलग अलग मटेरियल्स यूज किए जाते हैं एज अ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, एक है ग्लास, दूसरा है स्टील और तीसरा है कॉपर। तो बेसिकली तीन अलग अलग मटेरियल्स हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलरली यूज किए जाते हैं, और लेबोरेटरीज में, एकेडमिक लेबोरेटरीज में, इंडस्ट्रियल लेबोरेटरीज में खासकर
जो कॉपर वाला जो कॉइल है उसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकता है, 250 डिग्री सेल्सियस, एंड इज मोस्ट पॉपुलर मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो जो जीसी कॉलम्स है इनमें इनकी और इन्फॉर्मेशन कुछ जो हमारे पास है वो ऐसी है, स्विच लॉक फिटिंग्स मेक कॉलम इंस्टॉलेशन इजी। तो स्विच लॉक जो है ना ये एक तरह का ब्रांडेड इक्विपमेंट है, यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो, ये दूसरी कंपनीज भी मैन्युफैक्चर करती हैं। स्विच लॉक इज अ नेम ऑफ द ब्रांड, ओके। तो ये बेसिकली ये एयर टाइट फिटिंग्स हैं। तो ये फिटिंग्स अगर आप करोगे एयर टाइट और जीरो डेड वॉल्यूम फिटिंग, जीरो डेड वॉल्यूम फिटिंग यानी इनके अंदर कुछ फंसना नहीं चाहिए, ओके। जो गैस आ रही है वन साइड से अनदर साइड तो बराबर पास करना काम पास करने का काम जो है ये कनेक्टर्स करते हैं। तो ये जो स्विच लॉक फिटिंग्स हैं ये काम बहुत आसान कर देती हैं और इंस्टॉलेशन भी काफी आसान हो जाता है। सेवरल साइजेस ऑफ कॉलम्स आर यूज्ड डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो कॉलम्स के जो अलग अलग साइज है यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्मॉल, मीडियम या मीडियम थिक है, और ये लार्ज थिन है। तो ये इस तरह के जो अलग अलग डायमेंशन है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, और यानी कि उसकी जो डायमीटर है ट्यूब का, कॉलम की जो ट्यूब है उसके डायमीटर, उसकी लेंथ, उसके बेसिस पर डिटरमाइन किया जाएगा। और जीसी जी जो कॉलम्स है ना उनके चार टाइप्स आते हैं, पहला है पैक्ड कॉलम, दूसरा है वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम, तीसरा है सपोर्ट कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम, और फोर्थ है पोरस लेयर ओपन ट्यूबुलर कॉलम। तो इनका क्या क्या मतलब है ये तो हम आगे देखेंगे, लेकिन आप बस इतना ध्यान में रखिए कि कॉलम्स है, कॉलम्स को अटैच करने के लिए स्विच लॉक फिटिंग्स है जो जीरो डेड वॉल्यूम कंसेप्ट पर काम करती है, ताकि सारा का सारा सैंपल जो ट्रांसफर हो रहा चला जाए। तो यहाँ पर एक इमेज है जिस इमेज में हमको ये जो टाइप्स ऑफ कॉलम्स हमने अभी देखे पिछले स्लाइड पर उनकी एक अच्छी आइडिया मिल जाएगी। तो सबसे पहला टाइप जो था हमारा पैक्ड कॉलम का था, टिपिकली यूज्ड इन एचपीएलसी, सेल्डम इन जीसी, जो फॉर हाई कैपेसिटी बट पुअर रेजोल्यूशन। तो ये जो पैक्ड कॉलम है ना ये एचपीएलसी में ज्यादा प्रेफरेबली यूज किए जाते हैं, जीसी में बहुत रेयर है इनका यूसेज। तो देखिए पैक्ड कॉलम अगर आपके पास है कुछ ऐसा, आप इसको लीजिए, इसमें पूरा सॉलिड मटेरियल भरा होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पैक्ड कॉलम, ऑलराइट, जो स्टेशनरी फेज है वो। फिर दूसरा आता है वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम। तो वॉल कोटेड ये नाम ही दिया है, आपके पास कॉलम है, कॉलम यानी कि एक एम्प्टी ट्यूब है, और उस एम्प्टी ट्यूब का जो इनर साइड है उस इनर साइड में सीधा एक कोट आपने कर दिया वॉल कोटेड स्टेशनरी फेज का, राइट। ये लिक्विड फेज है बेसिकली, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो ये लिक्विड अगर इस ट्यूब के इंटरनल जो सर्फेस है उस पर अगर एड्सॉर्ब हो जाए तो आप कह सकते हो कि वो वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम है, यानी कि WCOT। फिर कोटेड विद स्टेशनरी लिक्विड फेज है, इसमें क्या होता है कि एक सपोर्ट मटेरियल आप लेते हो, सपोर्ट मटेरियल जैसे कि सेलुलोज हो सकता है, सिलिका जेल हो सकता है, एल्यूमिना हो सकता है, राइट। तो इन मटेरियल्स के छोटे छोटे बीड्स होते हैं जिनके ऊपर आप लिक्विड एड्सॉर्ब करते हो, और फिर इस मटेरियल का लेयर आप इनसाइड इसके कॉलम के सरफेस पर आप पेस्ट कर देते हो, जिससे कि वो सपोर्ट कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम बन जाएगा SCOT। और फिर पोरस लेयर ओपन ट्यूबुलर कॉलम जो है स्टेशनरी फेज होता है उसी के पार्टिकल्स का इस्तेमाल करके सीधा कोटिंग कर देते हो। तो ये PLOT हो गया, पोरस लेयर ओपन ट्यूबुलर कॉलम। यानी कि देखिए फर्क क्या है, यहाँ पर लिक्विड है, यहाँ पर सॉलिड है जिसके ऊपर लिक्विड का लेयर है, और यहाँ पर आपका जो सॉलिड है सॉलिड के ही पार्टिकल्स आपने इन द फॉर्म ऑफ अ लेयर अप्लाई कर दिए, तो ये पोरस लेयर हो गया। रैपिड इक्विलिब्रियम इज अकम्प्लिश्ड बाय डिक्रीजिंग स्टेशनरी फेज थिकनेस एंड रिड्यूसिंग कॉलम डायमीटर। तो कॉलम का डायमीटर अगर आप कम करते हैं तो आपका इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो सकता है, रेजोल्यूशन भी आपका इंप्रूव होगा ऐसा करके मिलेगी। तो हमने लिक्विड फेजेस की बात की अभी, जो स्टेशनरी फेजेस हैं तो वो देख लेते हैं। चलिए, एन इनफिनिट वैरायटी ऑफ लिक्विड फेजेस आर अवेलेबल, लिमिटेड ओनली बाय देयर वोलेटिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी एंड एबिलिटी टू वेट द सपोर्ट। तो जो सपोर्ट है, ये जो हमने WCOT, PLOT, SCOT ये जो तीनों देखे, यहाँ पर लिक्विड था हर स्टेप में कहीं ना कहीं। तो ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड फेजेस जो है ना, ये इनकी काफी बड़ी रेंज अवेलेबल है, जिसको आप जिसमें से आप मन चाह अपने हिसाब से, मतलब एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके ड्यू कंसिडरेशन में आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये जो सिलेक्शन होता है ये विद रिस्पेक्ट टू वॉलेटिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी और वेट सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेटिंग की जो एबिलिटी है उसकी, आपका जो सपोर्टिंग मटेरियल है उसके उसके बेसिस पर की जाती है। नो सिंगल फेज विल सर्व फॉर ऑल सेपरेशन प्रॉब्लम्स एट ऑल टेम्परेचर्स। तो ऐसा कोई फेज नहीं है जो सारे के सारे सैंपल्स को सेपरेट करने में सभी टेम्परेचर्स पर काम करेगा। तो बेसिकली एक यूनिवर्सल लिक्विड फेज ऐसा कुछ नहीं है, आपको विद रिस्पेक्ट टू योर एक्सपेरिमेंट डिजाइन आपको लिक्विड फेज को चेंज करना पड़ेगा। तो नॉन पोलर लिक्विड फेजेस आ जाते हैं फिर यहाँ पर। नॉन पोलर लिक्विड फेजेस हैं पैराफिन, स्क्वालिन, सिलिकॉन, ग्रीसेस, एपिजॉन एल, सिलिकॉन गम, रबर। ये दीज मटेरियल सेपरेट द कंपोनेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो जो नॉन पोलर लिक्विड फेजेस है ना वो बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर सेपरेट करते हैं।
तो जिनका बॉलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी इल्यूट हो जाएंगे, जिनका बॉलिंग पॉइंट ज्यादा है वो लेट इल्यूट होंगे। यहाँ पर देख लेते हैं हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, जो लिक्विड फेजेस है। अगर आपका फेज लिक्विड फेज जो है वो हाइड्रोफिलिक है तो क्या होगा कि आपके सैंपल में अगर कोई हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट है तो वो जल्दी इल्यूट कर जाएगा, राइट। अगर कोई हाइड्रोफोबिक एलिमेंट है तो वो लेट इल्यूट करेगा, जबकि अगर आपका लिक्विड फेज हाइड्रोफोबिक है तो आपके सैंपल के जो हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट्स हैं वो जल्दी वेपराइज होकर बाहर निकल जाएंगे, यानी कि नॉन पोलर, राइट। और जो हाइड्रोफिलिक है यानी कि पोलर, उनको देर लगेगी। तो लिक्विड फेज जो आप चूज कर रहे हो उसका जो पोलर नेचर है, वेदर इट इज पोलर और नॉन पोलर, वो डिक्टेट करेगा कि किस तरह के कंपाउंड्स पहले एल्यूट होंगे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर इंटरमीडिएट पोलैरिटी लिक्विड फेजेस भी है। दीज मटीरियल्स कंटेन अ पोलर और पोलराइजेबल ग्रुप ऑन अ लॉन्ग नॉन पोलर स्केलेटन व्हिच कैन डिसॉल्व व्हिच बोथ पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्यूट्स। आपके पास एक एक लंबा ऐसा बड़ा सा चेन होता है, पॉलीमर चेन होता है, जिस पर आप एक पोलराइजेबल ग्रुप अटैच कर देते हो। और ये पोलराइजेबल ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जिसमें एबिलिटी होती है पोलर और नॉन पोलर सॉल्यूट्स को डिसॉल्व करने की। फॉर एग्जांपल डाइएथिल हेक्सिल फैलेट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ हाई बॉइलिंग अल्कोहल। तो ऐसे अल्कोहल जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है उनको सेपरेट करने के लिए इस तरह के जो इंटरमीडिएट पोलरिटी लिक्विड फेजेस है उनको यूज किया जाता है। फिर आते हैं पोलर लिक्विड फेजेस। तो उनका एग्जांपल है कार्बोवैक्सेस लिक्विड फेजेस विद अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पोलर ग्रुप्स, सेपरेशन ऑफ पोलर ग्रुप्स एंड नॉन पोलर सब्सटेंसेस। तो पोलर जो ये होते हैं आपके लिक्विड फेजेस, यानी कि इसमें फॉर एग्जांपल कार्बोवैक्सेस को कंसीडर किया है, तो वो सेपरेशन जो सॉल्यूट्स होते हैं उनके पोलैरिटी के बेसिस पे ये कर देते हैं। अब क्योंकि ये खुद पोलर हैं तो इसका मतलब है कि नॉन पोलर जो सॉल्यूट्स हैं वो इमीडिएटली एल्यूट हो जाएंगे जल्दी जल्दी, और जो पोलर सॉल्यूट्स हैं उनको थोड़ा समय लगेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिक्विड फेजेस भी होते हैं। तो ये बेसिकली हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन जो इनके इनमें होता है वो रिएक्ट करता है। तो पोलर लिक्विड फेजेस विद हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सेट्रा फॉर लाइक ग्लाइकॉल, ये भी काम करते हैं। अगर कोई हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इसका मतलब उनकी पोलरिटी ज्यादा है। पोलरिटी ज्यादा है इसका मतलब कि हाइड्रोफिलिक केमिकल्स की एफिनिटी ज्यादा होने की वजह से उनको समय लगेगा, जबकि हाइड्रोफोबिक जो सोल्यूट्स है या फिर एनालाइट्स है वो क्विकली एल्यूट हो जाएंगे। फिर स्पेसिफिक पर्पस लिक्विड फेजेस भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट इन ग्लाइकॉल सेपरेट्स अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सिर्फ और सिर्फ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सेपरेट करने के लिए आप AgNO3 ग्लाइकॉल में डिजोल्व करके यूज कर सकते हो, रिलाइंग ऑन केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन बेस्ड होता है बेसिकली। तो ये बेसिक प्रिंसिपल आपको ध्यान में रखना है। ये जो डायग्राम है ना, ये टाइप्स ध्यान में रखिए जो हमने अभी कवर किए, पोलर नॉन पोलर इंटरमीडिएट पोलर, इनको ध्यान रखिए। और ये बेसिक इंटरेक्शन आप ध्यान रखिए पोलैरिटी के बेसिस पर। तो आप फीड क्या करते हो, परमिट क्या हो रहा है, ये आपका लिक्विड फेज है। और ये लिक्विड फेज अगर हाइड्रोफिलिक है तो हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट्स जल्दी जल्दी एल्यूट नहीं हो पाएंगे, वो रुक जाएंगे क्योंकि एफिनिटी क्रिएट होगी। और अगर हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट्स हैं तो इमीडिएटली एल्यूट हो जाएंगे, राइट। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया, देखिए हाइड्रोफोबिक यानी क्या, नॉन पोलर, और हाइड्रोफिलिक यानी के पोलर। तो ये हाइड्रोफिलिक है, राइट। तो जीसी कॉलम में कुछ सपोर्ट मटेरियल भी यूज किया जाता है। ये सपोर्ट मटेरियल क्या है, चलो देखते हैं। द स्ट्रक्चर एंड सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सपोर्ट मटेरियल आर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स विच डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ द सपोर्ट एंड द डिग्री ऑफ सेपरेशन रिस्पेक्टिवली। तो जो आपका कॉलम होता है, कॉलम में जो सपोर्टिंग मटेरियल यूज किया जाता है उसका बेसिक रोल यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। द स्ट्रक्चर एंड सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सपोर्ट मटेरियल इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो डिटरमाइन करते हैं जो एफिशिएंसी है, यानी कि कितना अच्छे से, कितना रेजोल्यूशन आपको मिलेगा, वो बेसिकली ये डिफाइन करता है सपोर्टिंग मटेरियल, राइट। और डिग्री ऑफ सेपरेशन, अगेन ये रेजोल्यूशन को इंडिकेट करने वाला पैरामीटर है, जो ये पूरी तरह से आपका जो सपोर्टिंग मटेरियल उस पर डिपेंड करता है। द सपोर्ट शुड बी इनर्ट बट केपेबल ऑफ इमोबिलाइजिंग अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फेजेस एज अ थिन फिल्म ओवर इट्स सरफेस। ओके, द सपोर्ट शुड बी इनर्ट, सपोर्ट इनर्ट होना चाहिए। बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, बिकॉज वी वॉन्ट ओनली द स्टेशनरी फेज टू इंटरेक्ट विद द सोल्यूट और एनालाइट मॉलिक्यूल्स। अगर सपोर्टिंग अगर वो रिएक्ट करने लगेगा तो अनसर्टन सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, इल्यूशन का जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो सकता है। और इल्यूशन पैटर्न डिस्टर्ब अगर हो जाता है तो आपको क्रोमेटोग्राफी का जो रिजल्ट है वो सही रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। द सर्फेस एरिया शुड बी लार्ज इनफ टू एंश्योर रैपिड अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। तो ये जो स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के बीच का जो इक्विलिब्रियम है ये अटेन करने के लिए सफिशियंट लार्ज सर्फेस एरिया भी उसका होना चाहिए।
सपोर्ट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू रेजिस्ट ब्रेकडाउन इन हैंडलिंग एंड बी केपेबल ऑफ पैक इन टू अ यूनिफॉर्म बेल्ट। तो सपोर्ट में देखिए, ये तो अब तक केमिकल प्रॉपर्टीज थी, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या इंपॉर्टेंट है कि उसका एक एक स्टेबल बेड भी बनना चाहिए ना, इट शुड नॉट डिसइंटीग्रेट। जस्ट आपका जो गैस कैरियर गैस है या फिर जो मोबाइल फेज है, उसके प्रेशर की वजह से इसमें टूटना नहीं चाहिए, किसी तरह से गाउजिंग नहीं होनी चाहिए, क्रैक्स नहीं आने चाहिए। तो उसकी जो फिजिकल इंटेग्रिटी है क्रोमेटोग्राफी बेड की, जो आपका जो सपोर्ट आपका जो क्रोमेटोग्राफी बेड के नीचे है, उसकी इंटेग्रिटी अनकॉम्प्रोमाइज होनी चाहिए और वो स्टेबल रहना चाहिए ऐसे सिचुएशन में भी, हाई स्ट्रेस सिचुएशन में। तो जो सपोर्ट मटेरियल्स है ना, इनमें दो टाइप के सपोर्ट मटेरियल्स काफी कॉमन है, एक है डायटोमाइट सपोर्ट मटेरियल्स और दूसरा है नॉन डायटोमाइट सपोर्ट मटेरियल। डायटोमाइट सपोर्ट मटेरियल यानी कि जो एंशियंट लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, जो फॉसिलाइज्ड फॉर्म में अर्थ में आपको मिलते हैं, उनको डिग करके निकाला जाता है, उस पाउडर को फिर स्पेशली ट्रीट करने के बाद उसको रेडी किया जाता है विद फॉर गैस क्रोमेटोग्राफी कॉलम्स, और फिर उसको एज अ सपोर्टिंग मैटर मटेरियल यूज किया जाता है। जबकि नॉन डायटोमाइट सपोर्ट मटेरियल जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अक्वायर किए गए नए केमिकल्स हैं। तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन से सपोर्टिंग मटेरियल जो पॉपुलरली यूज किए जाते हैं। सबसे पहले तो एज पर आवर लिस्ट, डायटोमाइट सपोर्ट मटेरियल, डायटोमेशियस अर्थ जिसको हम केसर गुड़ भी कहते हैं, विच इज ट्रीटेड विद सोडियम कार्बोनेट एट 900 डिग्री सेल्सियस, कॉजेस पार्टिकल फ्यूजन इनटू कोअरसर एग्रीगेट्स। इसको अगर आप 900 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप हीट करोगे सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो छोटे छोटे ऐसे कोअरसर एग्रीगेट्स यानी कि काइंड ऑफ ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको आप एज अ पैकिंग मटेरियल यूज कर सकते हो। ग्लास बीड्स विद अ लो सरफेस एरिया एंड लो पोरोसिटी कैन बी यूज्ड टू कोट अप टू 3% स्टेशनरी फेज। तो आप ग्लास बीड्स ले सकते हो जिनका सरफेस एरिया कम है, ऐसे ग्लास बीड्स को आप इस मटेरियल के साथ कोट कर सकते हो अप टू 3%। 3% का मतलब है जितने ग्लास बीड्स का मास है उसके कंपैरिजन में 3% जो मास है वो आप इन पर कोट कर पाओगे। सो पोलर पोरस पॉलीमर बीड्स डिफरिंग इन द डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग ऑफ स्टायरीन विद एल्किल विनिल बेंजीन आर आल्सो यूज्ड व्हिच आर स्टेबल अप टू 250 डिग्री सेल्सियस। तो सिर्फ ग्लास बीड्स ही नहीं, पोरस पॉलीमर बीड्स भी यूज किए जा सकते हैं और वो 250 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर आप इमेजेस में देख सकते हो, डायटोमेशियस रॉक है, उसका पाउडर कर दिया है रॉक पाउडर, और इसका अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह के आपको ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे, ये स्केलेटन्स हैं बेसिकली, फॉसिल्स हैं। दूसरा सपोर्ट मटेरियल है मेटल हेलिसेस। मेटल हेलिसेस, अब एक्चुअल मेटल हेलिसेस का तो नहीं मिल पाया हमें फोटोग्राफ, लेकिन दिस इज क्लोज इनफ, राइट। इट दे आर बेसिकली स्पाइरल मेटेलिक स्ट्रक्चर्स विच आर यूज्ड एज अ पैकिंग मटेरियल और सपोर्ट मटेरियल इनसाइड जीसी कॉलम्स। तो फाइन मेटल हेलिसेस आर यूज्ड एज सपोर्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ कॉलम्स विद लो रेजिस्टेंस टू फ्लो फॉर ऑपरेशन अंडर वैक्यूम टू सेपरेट कंपाउंड्स। तो अंडर वैक्यूम में काम कर सकते हैं और इनका रेजिस्टेंस भी कम होता है, तो ऐसे तरह के इस तरह के जो कॉलम्स है वो बनाने के लिए मेटल हेलिसेस का खास करके यूज किया जाता है। नॉन डायटोमाइट सपोर्ट आर एम्प्लॉयड इन द डिटर्मिनेशन एक्टिविटी in determination of activity coefficient at infinite dilution with non-polar liquid phases and polar samples. The metal helices are apparently non-adsorptive but they do not make efficient columns. So metal helices जो है ना वो non-adsorptive हैं, यानी कि वो inert है, लेकिन उनसे columns भी कोई इतने अच्छे खास बनते नहीं है, but still for some specific applications they are used. दूसरा सपोर्टिंग मटेरियल जो हम यूज कर सकते हैं वो है सोडियम क्लोराइड। ये नॉन डायटोमाइट सपोर्टिंग मटेरियल है। सोडियम क्लोराइड कैन बी यूज्ड एज अ सपोर्ट फॉर सेपरेशन ऑफ फैटी एसिड एस्टर्स एंड फैटी अल्कोहल्स यूजिंग 5% सिलिकॉन ग्रीस एज द लिक्विड फेज। तो आप सॉल्ट है, सॉल्ट का जो मास है उसके कंपेरिजन में 5% सिलिकॉन ग्रीस आप कोट कर दीजिए सॉल्ट के ऊपर, और सॉल्ट इट विल एक्ट एज अ सपोर्टिंग मटेरियल एंड दिस कैन बी यूज्ड एज अ कॉलम फॉर सेपरेशन ऑफ फैटी एसिड एस्टर्स एंड फैटी अल्कोहल्स। It is also used as support for separation of essential oils, ketones with silicone grease to separate high molecular weight fatty amines. तो high molecular weight के जो fatty amines हैं, उनको separate करने में भी ये मदद करता है, और साथ ही साथ essential oils और ketones भी। Sand can be used. Sand को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। Sand can be used as a support to separate essential oils and aromatics. तो आपको essential oils और aromatics को अगर support करना है, essential oils यानी क्या? ये जो एकदम sweet smelling जो परफ्यूम से रिलेटेड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेंथॉल का जो ऑयल होता है, नीलगिरी का ऑयल होता है, रोज ऑयल है, गार्लिक ऑयल है, ऑल आर दीज एसेंशियल ऑयल्स, ओके। और ये एरोमेटिक भी होते हैं, इनकी स्मेल होती है, स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, प्लेजेंट स्मेल होती है इनकी। तो ये सारे जो ऑयल्स हैं, इन सभी ऑयल्स का सेपरेशन करना है अगर आपको, तो आप सैंड को यूज कर सकते हो। सैंड कोटेड विथ लिथियम क्लोराइड कैन बी यूज टू सेपरेट अ जिंक कैडमियम मिक्सचर
एट ए टेम्परेचर ऑफ 620 डिग्री सेल्सियस। तो कुछ इस तरह से ये काम होता है। नॉन डायटोमाइट सपोर्ट मटेरियल, अनग्लेज्ड टाइल। तो आप अनग्लेज्ड टाइल भी यूज कर सकते हो, जो आपने टाइल्स घर में लगती है ना, तो उन टाइल्स की जो पाउडर होती है उस पाउडर फॉर्म में भी आप उसको एज अ पैकिंग मटेरियल यूज कर सकते हो। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, इट हैज टू बी अनग्लेज्ड। जो रेगुलर टाइल्स हमारे यहाँ पर अवेलेबल होती है, वन साइड से वो पॉलिश होती है, उनके ऊपर एक ग्लेजिंग होता है, शाइन होती है ना, वो वाला कंपोनेंट नहीं चाहिए हमें। जो बैकिंग वाला जो रफ मिट्टी जैसा जो कंपोनेंट होता है वो चाहिए, दैट कैन बी यूज एज अ पैकिंग मटेरियल। सो ये अनग्लेज्ड टाइल। द मटेरियल इज राइट एंड मैकेनिकली वेरी रेजिस्टेंट एज कम्पेयर टू डायटोमेट अर्थ सपोर्ट। काफी रेजिस्टेंट है, काफी टफ है, सो इट इज क्वाइट पॉपुलर। इट हैज अ सरफेस एरिया ऑफ 2.3 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। तो ये पाउडर इतनी फाइन होती है कि 1 ग्राम में 2.3 मीटर स्क्वायर ये कवर कर सकती है, इतना इसका सरफेस एरिया होता है। अ मैक्सिमम ऑफ 18% बाय वेट लिक्विड फेज कैन बी अप्लाइड, बस 7 to 10% इज ऑप्टिमम। तो इसके क्वांटिटी के हिसाब से 18% तक आप लिक्विड फेज इसके ऊपर एड्सॉर्ब कर सकते हो, सो दैट इज क्वाइट हाई, क्योंकि अब तक तो हमने 5% 3% इन्हीं की बात की थी, है ना। लेकिन ऑप्टिमम क्या है, 7 to 10% तक ही आप लिमिटेड रखिए, इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। जो अगला सपोर्ट मटेरियल है वो है डिटर्जेंट। अब फोटो में तो आपको टाइड दिख रहा है, लेकिन आप दूसरे डिटर्जेंट भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ टाइड ही यूज करना है। तो टाइड डिटर्जेंट और अदर हाउसहोल्ड डिटर्जेंट्स कैन बी यूज्ड एज अ पैकिंग मटेरियल, एज अ सपोर्ट मटेरियल। तो ऐसा कैसे, चलिए देखते हैं। हाउसहोल्ड डिटर्जेंट हैज बीन यूज्ड एज बोथ सॉलिड सपोर्ट एंड अ कॉलम पैकिंग। तो कॉलम पैकिंग और सॉलिड सपोर्ट दोनों की तरह इसको यूज किया जाता है। On a dry basis, the material consists of approximately 20% detergent and alkyl aryl sulfonate. So, alkyl aryl sulfonate है ना, ये वो compound है जो as a detergent या as a surfactant काम करता है। तो इसको अगर powder को आप सुखा दो तो इसके अंदर 20% उसकी quantity होगी। And a carrier consisting of sodium sulfate, chloride, phosphate and silicate. और उसके साथ साथ carriers होंगे जो sodium sulfate, chloride और phosphate और silicate होंगे। Approximately 14% is water. और इसी detergent powder में 14% water भी होता है, which is removed before its use. इन अ कॉलम। तो इसको कॉलम में इसको एज अ सपोर्ट मटेरियल आपको यूज करना है और मे बी एज अ पैकिंग मटेरियल यूज करना है, तो पानी को पहले निकालना होगा। ओके, द वाटर एज वेल एज द स्मॉल अमाउंट ऑफ परफ्यूम आर रिमूव्ड बाय हीटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर सेवरल आवर्स। तो इस डिटर्जेंट को लिया जाता है, इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर अवन के अंदर, ड्राई हीट अवन के अंदर हीट किया जाता है फॉर सेवरल आवर्स, ताकि ये सारे जो अननेसेसरी केमिकल्स हैं इसमें से वो निकल जाए, इंक्लूडिंग वाटर। When used as a column packing, the alkyl aryl sulfonate serves as a liquid phase. So as a column but आप pack करोगे तो ये it serves as a liquid phase. तो ये थोड़ा सा liquid इसका nature होता है hygroscopicity की वजह से, और वो as a liquid phase वो act करता है. When used as a support, the sulfonate is extracted with ether, leaving the inorganic residue which is then coated with another liquid phase. तो as a support आप use कर रहे हैं, तो sulfonate is extracted with ether. Sulfonates को आप सल्फोनेट्स की मदद से आप इथर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, लिविंग इन ऑर्गेनिक रेसिड्यू व्हिच इज देन कोटेड विद अनदर लिक्विड। तो सपोर्ट की तरह जब आपको यूज करना है तो आप सल्फोनेट को एक्सट्रैक्ट करोगे, और सल्फोनेट को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको कोट करोगे एक दूसरे लिक्विड के साथ, एंड दैट यू यूज एज अ सपोर्ट मटेरियल। टाइड एज अ कॉलम पैकिंग इज एम्प्लॉयड टू सेपरेट प्राइमरी अमिल अल्कोहल्स, पाइरिडिन्स, and can also be used to extract the organic portion of the material with petroleum ether 30 to 60 degrees Celsius. agla jo non dynamite support material hai uska naam hai teflon, yani ke ptfe, polymerized tetrafluoroethylene, ya fir ise polytetrafluoroethylene bhi kaha jata hai. basically ye kafi tough material hai aur isko as a support material use karna kafi aasan bhi hai. इसको आप अच्छे अच्छे छोटे छोटे पैलेट्स या अलग अलग शेप्स में आप बना सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है, इनके जो पैलेट्स हैं, इन पैलेट्स के ऊपर आप आपका मन चाह स्टेशनरी फेस की कोटिंग कर सकते हो और फिर आपको यूज कर सकते हो। यह हाईली इनर्ट है, इसका सरफेस बहुत ड्यूरेबल है और हाई टेम्परेचर्स पर यह काम कर सकता है, इस वजह से ये काफी पॉपुलर भी है। देर आर नंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेफ्लॉन सपोर्ट्स। वन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ टेफ्लॉन फोम। तो इसमें अलग अलग टाइप्स भी है, सिर्फ बीड्स ही नहीं है। तो बीड्स तो है लेकिन साथ साथ टेफ्लॉन फोम, टेफ्लॉन पाउडर, टेफ्लॉन एग्लोमरेट्स, राइट, तो टेफ्लॉन इमल्शन, तो इनका भी उपयोग किया जाता है एज अ सपोर्टिंग मटेरियल। अगला नॉन डायटोमाइट सपोर्ट मटेरियल है ग्लास बीड्स। विद स्फेरिकल ग्लास बीड्स इट इज पॉसिबल टू प्रिपेयर अ कॉलम हुज जियोमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर नोन। बाय यूजिंग वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिक्विड फेज ऑन ग्लास बीड्स इट इज पॉसिबल टू ऑपरेट कॉलम as much as 250 degrees Celsius below the boiling point of the solute.
आप देख रहे हैं कि ग्लास बीड्स का इस्तेमाल करके लिक्विड फेस को अगर आप ग्लास बीड्स पर एड्सॉर्ब कर लेते हो तो आपका जो सोल्यूट है उस सोल्यूट के 250 डिग्री सेल्सियस के नीचे आप काम कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको बॉइलिंग पॉइंट तक लेकर जाने की भी जरूरत नहीं। इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी सेव होगी। इसका मतलब ये है कि आपके एक हाई टेम्परेचर पर बॉइल होने वाले सोल्यूट के साथ अगर कोई लो टेम्परेचर वाला अगर सोल्यूट है तो उसको भी थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि एक सोल्यूट को एल्यूट करने के चक्कर में, एक्टिवेट करने के चक्कर में छोटे जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाले जो होते हैं वो कई बार डिकम्पोज हो जाते हैं। सो बेसिकली ये प्रोसेस की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ाने का काफी अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो पहला पार्ट है वो खत्म हुआ गैस क्रोमाटोग्राफी का। इस सेशन को अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से आगे जो हमारा कंटेंट होगा वो होगा पर्टेनिंग द गैस क्रोमाटोग्राफी डिटेक्टर्स, वो हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। और आई होप आपको फायदा हुआ है ये सेशन अटेंड करके, ये सेशन को देखकर, बाय वाचिंग दिस सेशन। आई होप यू हैव बीन बेनिफिटेड इमेंसली एंड आई रिक्वेस्ट यू टू कीप वाचिंग द सेकेंड पार्ट एज वेल, वेयर इन वी शैल कंटिन्यू डिस्कशन अबाउट वेरियस अदर कंपोनेंट्स ऑफ अ टिपिकल गैस क्रोमेटोग्राफी सिस्टम। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।